यह फिल्म 1994 की तेलुगु फिल्म शुभ लगावन की रीमेक थी। यह श्रीदेवी की अंतिम फिल्म थी, जब तक कि उन्होंने 2012 में इंग्लिश विंग्लिश से वापसी नहीं की थी। दोस्तों, आज जो हम आपको बताने वाले हैं, इस फिल्म का नाम है जुदाई। जुदाई फिल्म 1997 में एक बनी हिंदी मूवी है, जिसका निर्देशन राजकुमार के द्वारा किया गया था। इसके मुख्य कलाकार अनिल कुमार, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ कादर खान, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, परेश रावल, उपासना सिंह और सईद जाफरी इसके सहायक भूमिका में शामिल थे, जबकि एक विशेष परिस्थिति के दौरान ये फिल्म का बनाया गया था। फिल्म के डायरेक्टर सुरेंद्र कपूर और बोनू कपूर थे। इसके लेखक प्रकाश राज थे और अभिनेता में भी अनिल कपूर, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ ये फिल्म को बता दें कि फिल्म की कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है, जब काजल श्रीदेवी पेशे से अभिनेता राज यानी कि अनिल कपूर से शादी करती है, तो उसके पिता कादर खान स्वचालित रूप से वह अमीर हैं, यहाँ तक कि दो बच्चों के जन्म एक बेटी और छोटी बेटी हैं। विवाह के कई सालों में भी वह बदलती नहीं है। इसका उदाहरण तब होता है जब काजल अपनी पुरानी सहेली निशा यानी कि पूनम ढिल्लो से मिलती है और कहती है कि उसका पति बड़ा बिजनेसमैन है, उसके परिवार के पास कई कार हैं और एक बड़े बंगले में रहते हैं। लेकिन निशा जो वास्तव में अमीर सच जान लेती है जब जानवी यानी कि उर्मिला मातोंडकर राज के मालिक साहिनी शहीद जाफरी की भतीजी विदेश से आती हैं। इस मूवी को आप अलग अलग तरीक़ों से नहीं देख सकते, जबकि यह फिल्म आपको YouTube के प्रीमियर पर भी देखने को मिलेगी। यह फिल्म 1994 की तेलुगु फिल्म शुभ लगावन की रीमेक थी। यह श्रीदेवी की अंतिम फिल्म थी, जब तक कि उन्होंने 2012 में इंग्लिश विंग्लिश से वापसी नहीं की थी। दोस्तों, आज जो हम आपको बताने वाले हैं, इस फिल्म का नाम है जुदाई। जुदाई फिल्म 1997 में एक बनी हिंदी मूवी है, जिसका निर्देशन राजकुमार के द्वारा किया गया था। इसके मुख्य कलाकार अनिल कुमार, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ कादर खान, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, परेश रावल, उपासना सिंह और सईद जाफरी इसके सहायक भूमिका में शामिल थे, जबकि एक विशेष परिस्थिति के दौरान ये फिल्म का बनाया गया था। फिल्म के डायरेक्टर सुरेंद्र कपूर और बोनू कपूर थे। इसके लेखक प्रकाश राज थे और अभिनेता में भी अनिल कपूर, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ ये फिल्म को बता दें कि फिल्म की कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है, जब काजल श्रीदेवी पेशे से अभिनेता राज यानी कि अनिल कपूर से शादी करती है, तो उसके पिता कादर खान स्वचालित रूप से वह अमीर हैं, यहाँ तक कि दो बच्चों के जन्म एक बेटी और छोटी बेटी हैं। विवाह के कई सालों में भी वह बदलती नहीं है। इसका उदाहरण तब होता है जब काजल अपनी पुरानी सहेली निशा यानी कि पूनम ढिल्लो से मिलती है और कहती है कि उसका पति बड़ा बिजनेसमैन है, उसके परिवार के पास कई कार हैं और एक बड़े बंगले में रहते हैं। लेकिन निशा जो वास्तव में अमीर सच जान लेती है जब जानवी यानी कि उर्मिला मातोंडकर राज के मालिक साहिनी शहीद जाफरी की भतीजी विदेश से आती हैं। इस मूवी को आप अलग अलग तरीक़ों से नहीं देख सकते, जबकि यह फिल्म आपको YouTube के प्रीमियर पर भी देखने को मिलेगी। यह फिल्म 1994 की तेलुगु फिल्म शुभ लगावन की रीमेक थी। यह श्रीदेवी की अंतिम फिल्म थी, जब तक कि उन्होंने 2012 में इंग्लिश विंग्लिश से वापसी नहीं की थी। दोस्तों, आज जो हम आपको बताने वाले हैं, इस फिल्म का नाम है जुदाई। जुदाई फिल्म 1997 में एक बनी हिंदी मूवी है, जिसका निर्देशन राजकुमार के द्वारा किया गया था। इसके मुख्य कलाकार अनिल कुमार, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ कादर खान, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, परेश रावल, उपासना सिंह और सईद जाफरी इसके सहायक भूमिका में शामिल थे, जबकि एक विशेष परिस्थिति के दौरान ये फिल्म का बनाया गया था।
फिल्म के डायरेक्टर सुरेंद्र कपूर और बोनू कपूर थे। इसके लेखक प्रकाश राज थे और अभिनेता में भी अनिल कपूर, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ ये फिल्म को बता दें कि फिल्म की कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है, जब काजल श्रीदेवी पेशे से अभिनेता राज यानी कि अनिल कपूर से शादी करती है, तो उसके पिता कादर खान स्वचालित रूप से वह अमीर हैं, यहाँ तक कि दो बच्चों के जन्म एक बेटी और छोटी बेटी हैं। विवाह के कई सालों में भी वह बदलती नहीं है। इसका उदाहरण तब होता है जब काजल अपनी पुरानी सहेली निशा यानी कि पूनम ढिल्लो से मिलती है और कहती है कि उसका पति बड़ा बिजनेसमैन है, उसके परिवार के पास कई कार हैं और एक बड़े बंगले में रहते हैं। लेकिन निशा जो वास्तव में अमीर सच जान लेती है जब जानवी यानी कि उर्मिला मातोंडकर राज के मालिक साहिनी शहीद जाफरी की भतीजी विदेश से आती हैं। इस मूवी को आप अलग अलग तरीक़ों से नहीं देख सकते, जबकि यह फिल्म आपको YouTube के प्रीमियर पर भी देखने को मिलेगी। यह फिल्म 1994 की तेलुगु फिल्म शुभ लगावन की रीमेक थी। यह श्रीदेवी की अंतिम फिल्म थी, जब तक कि उन्होंने 2012 में इंग्लिश मूवी से वापसी नहीं की थी। दोस्तों, आज जो हम आपको बताने वाले हैं, इस फिल्म का नाम है जुदाई। जुदाई फिल्म 1997 में एक बनी हिंदी मूवी है, जिसका निर्देशन राजकुमार के द्वारा किया गया था। इसके मुख्य कलाकार अनिल कुमार, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ कादर खान, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, परेश रावल, उपासना सिंह और सईद जाफरी इसके सहायक भूमिका में शामिल थे, जबकि एक विशेष परिस्थिति के दौरान ये फिल्म का बनाया गया था। फिल्म के डायरेक्टर सुरेंद्र कपूर और बोनू कपूर थे। इसके लेखक प्रकाश राज थे और अभिनेता में भी अनिल कपूर, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ ये फिल्म को बता दें कि फिल्म की कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है, जब काजल श्रीदेवी पेशे से अभिनेता राज यानी कि अनिल कपूर से शादी करती है, तो उसके पिता कादर खान स्वचालित रूप से वह अमीर हैं, यहाँ तक कि दो बच्चों के जन्म एक बेटी और छोटी बेटी हैं। विवाह के कई सालों में भी वह बदलती नहीं है। इसका उदाहरण तब होता है जब काजल अपनी पुरानी सहेली निशा यानी कि पूनम ढिल्लो से मिलती है और कहती है कि उसका पति बड़ा बिजनेसमैन है, उसके परिवार के पास कई कार हैं और एक बड़े बंगले में रहते हैं। लेकिन निशा जो वास्तव में अमीर सच जान लेती है जब जानवी यानी कि उर्मिला मातोंडकर राज के मालिक साहिनी शहीद जाफरी की भतीजी विदेश से आती हैं। इस मूवी को आप अलग अलग तरीक़ों से नहीं देख सकते, जबकि यह फिल्म आपको YouTube के प्रीमियर पर भी देखने को मिलेगी। यह फिल्म 1994 की तेलुगु फिल्म शुभ लगावन की रीमेक थी। यह श्रीदेवी की अंतिम फिल्म थी, जब तक कि उन्होंने 2012 में इंग्लिश मूवी से वापसी नहीं की थी। दोस्तों, आज जो हम आपको बताने वाले हैं, इस फिल्म का नाम है जुदाई। जुदाई फिल्म 1997 में एक बनी हिंदी मूवी है, जिसका निर्देशन राजकुमार के द्वारा किया गया था। इसके मुख्य कलाकार अनिल कुमार, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ कादर खान, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, परेश रावल, उपासना सिंह और सईद जाफरी इसके सहायक भूमिका में शामिल थे, जबकि एक विशेष परिस्थिति के दौरान ये फिल्म का बनाया गया था। फिल्म के डायरेक्टर सुरेंद्र कपूर और बोनू कपूर थे। इसके लेखक प्रकाश राज थे और अभिनेता में भी अनिल कपूर, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ ये फिल्म को बता दें कि फिल्म की कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है, जब काजल श्रीदेवी पेशे से अभिनेता राज यानी कि अनिल कपूर से शादी करती है, तो उसके पिता कादर खान स्वचालित रूप से वह अमीर हैं, यहाँ तक कि दो बच्चों के जन्म एक बेटी और छोटी बेटी हैं। विवाह के कई सालों में भी वह बदलती नहीं है। इसका उदाहरण तब होता है जब काजल अपनी पुरानी सहेली निशा यानी कि पूनम ढिल्लो से मिलती है और कहती है कि उसका पति बड़ा बिजनेसमैन है, उसके परिवार के पास कई कार हैं और एक बड़े बंगले में रहते हैं। लेकिन निशा जो वास्तव में
अमीर सत्य जान लेती हैं जब जानवी यानी कि उर्मिला मातोंडकर राज के मालिक साहिनी शहीद जाफरी की भतीजी विदेश से आती हैं। इस मूवी को आप अलग अलग तरीक़ों से नहीं देख सकते जबकि यह फिल्म आपको YouTube के प्रीमियर पर भी देखने को मिलेगी। यह फिल्म 1994 की तेलुगु फिल्म शुभ लगावन की रीमेक थी। यह श्रीदेवी की अंतिम फिल्म थी जब तक कि उन्होंने 2012 में इंग्लिश विंग्लिश से वापसी नहीं की थी। दोस्तों आज जो हम आपको बताने वाले हैं इस फिल्म का नाम है जुदाई। जुदाई फिल्म 1997 में एक बनी हिंदी मूवी है जिसका निर्देशन राजकुमार के द्वारा किया गया था। इसके मुख्य कलाकार अनिल कुमार, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ कादर खान, फरीदा जलाल, जोनी लीवर, फ्रेश रावल, उपासना सिंह और सईद जाफरी इसके सहायक भूमिका में शामिल थे जबकि एक विशेष परिस्थिति के दौरान ये फिल्म का बनाया गया था। फिल्म के डायरेक्टर सुरेंद्र कपूर और बोनू कपूर थे। इसके लेखक प्रकाश राज थे और अभिनेता में भी अनिल कपूर, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ ये फिल्म को बता दें कि फिल्म की कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है जब काजल श्रीदेवी पेशे से अभिनेता राज यानी कि अनिल कपूर से शादी करती है तो उसके पिता कादर खान स्वचालित रूप से वह अमीर हैं। यहाँ तक कि दो बच्चों के जन्म एक बेटी और छोटी बेटी है। विवाह के कई सालों में भी वह बदलती नहीं है। इसका उदाहरण तब होता है जब काजल अपनी पुरानी सहेली निशा यानी कि पूनम ढिल्लो से मिलती है और कहती है कि उसका पति बड़ा बिजनेसमैन है, उसके परिवार के पास कई कार हैं और एक बड़े बंगले में रहते हैं। लेकिन निशा जो वास्तव में अमीर सत्य जान लेती है जब जानवी यानी कि उर्मिला मातोंडकर राज के मालिक साहिनी शहीद जाफरी की भतीजी विदेश से आती हैं। इस मूवी को आप अलग अलग तरीक़ों से नहीं देख सकते जबकि यह फिल्म आपको YouTube के प्रीमियर पर भी देखने को मिलेगी। यह फिल्म 1994 की तेलुगु फिल्म शुभ लगावन की रीमेक थी। यह श्रीदेवी की अंतिम फिल्म थी जब तक कि उन्होंने 2012 में इंग्लिश विंग्लिश से वापसी नहीं की थी। दोस्तों आज जो हम आपको बताने वाले हैं इस फिल्म का नाम है जुदाई। जुदाई फिल्म 1997 में एक बनी हिंदी मूवी है जिसका निर्देशन राजकुमार के द्वारा किया गया था। इसके मुख्य कलाकार अनिल कुमार, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ कादर खान, फरीदा जलाल, जोनी लीवर, फ्रेश रावल, उपासना सिंह और सईद जाफरी इसके सहायक भूमिका में शामिल थे जबकि एक विशेष परिस्थिति के दौरान ये फिल्म का बनाया गया था। फिल्म के डायरेक्टर सुरेंद्र कपूर और बोनू कपूर थे। इसके लेखक प्रकाश राज थे और अभिनेता में भी अनिल कपूर, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ ये फिल्म को बता दें कि फिल्म की कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है जब काजल श्रीदेवी पेशे से अभिनेता राज यानी कि अनिल कपूर से शादी करती है तो उसके पिता कादर खान स्वचालित रूप से वह अमीर हैं। यहाँ तक कि दो बच्चों के जन्म एक बेटी और छोटी बेटी है। विवाह के कई सालों में भी वह बदलती नहीं है। इसका उदाहरण तब होता है जब काजल अपनी पुरानी सहेली निशा यानी कि पूनम ढिल्लो से मिलती है और कहती है कि उसका पति बड़ा बिजनेसमैन है, उसके परिवार के पास कई कार हैं और एक बड़े बंगले में रहते हैं। लेकिन निशा जो वास्तव में अमीर सत्य जान लेती है जब जानवी यानी कि उर्मिला मातोंडकर राज के मालिक साहिनी शहीद जाफरी की भतीजी विदेश से आती हैं। इस मूवी को आप अलग अलग तरीक़ों से नहीं देख सकते जबकि यह फिल्म आपको YouTube के प्रीमियर पर भी देखने को मिलेगी। यह फिल्म 1994 की तेलुगु फिल्म शुभ लगावन की रीमेक थी। यह श्रीदेवी की अंतिम फिल्म थी जब तक कि उन्होंने 2012 में इंग्लिश विंग्लिश से वापसी नहीं की थी। दोस्तों आज जो हम आपको बताने वाले हैं इस फिल्म का नाम है जुदाई। जुदाई फिल्म 1997 में एक बनी हिंदी मूवी है जिसका निर्देशन राजकुमार के द्वारा किया गया था। इसके मुख्य कलाकार अनिल कुमार,
श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ कादर खान, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, फ्रेश रावल, उपासना सिंह और सईद जाफरी इसके सहायक भूमिका में शामिल थे, जबकि एक विशेष परिस्थिति के दौरान ये फिल्म का बनाया गया था। फिल्म के डायरेक्टर सुरेंद्र कपूर और बोनू कपूर थे। इसके लेखक प्रकाश राज थे और अभिनेता में भी अनिल कपूर, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ ये फिल्म को बता दें कि फिल्म की कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है, जब काजल श्रीदेवी पेशे से अभिनेता राज यानी कि अनिल कपूर से शादी करती है, तो उसके पिता कादर खान स्वचालित रूप से वह अमीर हैं। यहाँ तक कि दो बच्चों के जन्म एक बेटी और छोटी बेटी हैं। विवाह के कई सालों में भी वह बदलती नहीं है। इसका उदाहरण तब होता है जब काजल अपनी पुरानी सहेली निशा यानी कि पूनम ढिल्लो से मिलती है और कहती है कि उसका पति बड़ा बिजनेसमैन है, उसके परिवार के पास कई कार हैं और एक बड़े बंगले में रहते हैं। लेकिन निशा जो वास्तव में अमीर सच जान लेती है जब जानवी यानी कि उर्मिला मातोंडकर राज के मालिक साहिनी शहीद जाफरी की भतीजी विदेश से आती हैं। इस मूवी को आप अलग अलग तरीक़ों से नहीं देख सकते, जबकि यह फिल्म आपको यूट्यूब के प्रीमियर पर भी देखने को मिलेगी। यह फिल्म 1994 की तेलुगु फिल्म शुभ लगावन की रीमेक थी। यह श्रीदेवी की अंतिम फिल्म थी, जब तक कि उन्होंने 2012 में इंग्लिश फिल्म से वापसी नहीं की थी। दोस्तों, आज जो हम आपको बताने वाले हैं, इस फिल्म का नाम है जुदाई। जुदाई फिल्म 1997 में एक बनी हिंदी मूवी है, जिसका निर्देशन राजकुमार के द्वारा किया गया था। इसके मुख्य कलाकार अनिल कुमार, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ कादर खान, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, फ्रेश रावल, उपासना सिंह और सईद जाफरी इसके सहायक भूमिका में शामिल थे, जबकि एक विशेष परिस्थिति के दौरान ये फिल्म का बनाया गया था। फिल्म के डायरेक्टर सुरेंद्र कपूर और बोनू कपूर थे। इसके लेखक प्रकाश राज थे और अभिनेता में भी अनिल कपूर, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ ये फिल्म को बता दें कि फिल्म की कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है, जब काजल श्रीदेवी पेशे से अभिनेता राज यानी कि अनिल कपूर से शादी करती है, तो उसके पिता कादर खान स्वचालित रूप से वह अमीर हैं। यहाँ तक कि दो बच्चों के जन्म एक बेटी और छोटी बेटी हैं। विवाह के कई सालों में भी वह बदलती नहीं है। इसका उदाहरण तब होता है जब काजल अपनी पुरानी सहेली निशा यानी कि पूनम ढिल्लो से मिलती है और कहती है कि उसका पति बड़ा बिजनेसमैन है, उसके परिवार के पास कई कार हैं और एक बड़े बंगले में रहते हैं। लेकिन निशा जो वास्तव में अमीर सच जान लेती है जब जानवी यानी कि उर्मिला मातोंडकर राज के मालिक साहिनी शहीद जाफरी की भतीजी विदेश से आती हैं। इस मूवी को आप अलग अलग तरीक़ों से नहीं देख सकते, जबकि यह फिल्म आपको यूट्यूब के प्रीमियर पर भी देखने को मिलेगी। यह फिल्म 1994 की तेलुगु फिल्म शुभ लगावन की रीमेक थी। यह श्रीदेवी की अंतिम फिल्म थी, जब तक कि उन्होंने 2012 में इंग्लिश फिल्म से वापसी नहीं की थी। दोस्तों, आज जो हम आपको बताने वाले हैं, इस फिल्म का नाम है जुदाई। जुदाई फिल्म 1997 में एक बनी हिंदी मूवी है, जिसका निर्देशन राजकुमार के द्वारा किया गया था। इसके मुख्य कलाकार अनिल कुमार, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ कादर खान, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, फ्रेश रावल, उपासना सिंह और सईद जाफरी इसके सहायक भूमिका में शामिल थे, जबकि एक विशेष परिस्थिति के दौरान ये फिल्म का बनाया गया था। फिल्म के डायरेक्टर सुरेंद्र कपूर और बोनू कपूर थे। इसके लेखक प्रकाश राज थे और अभिनेता में भी अनिल कपूर, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ ये फिल्म को बता दें कि फिल्म की कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है, जब काजल श्रीदेवी पेशे से अभिनेता राज यानी कि अनिल कपूर से शादी करती है, तो उसके पिता कादर खान स्वचालित रूप से वह अमीर हैं। यहाँ तक कि दो बच्चों के जन्म एक बेटी और छोटी बेटी हैं।
विवाह के कई सालों में भी वह बदलती नहीं है। इसका उदाहरण तब होता है जब काजल अपनी पुरानी सहेली निशा यानी कि पूनम ढिल्लो से मिलती है और कहती है कि उसका पति बड़ा बिजनेसमैन है, उसके परिवार के पास कई कार हैं और एक बड़े बंगले में रहते हैं। लेकिन निशा जो वास्तव में अमीर सच जान लेती है जब जानवी यानी कि उर्मिला मातुंडकर राज के मालिक साहिनी शहीद जाफरी की भतीजी विदेश से आती हैं। इस मूवी को आप अलग अलग तरीक़ों से नहीं देख सकते, जबकि यह फिल्म आपको YouTube के प्रीमियर पर भी देखने को मिलेगी। यह फिल्म 1994 की तेलुगु फिल्म शुभ लगावन की रीमेक थी। यह श्रीदेवी की अंतिम फिल्म थी जब तक कि उन्होंने 2012 में इंग्लिश फिल्म से वापसी नहीं की थी। दोस्तों, आज जो हम आपको बताने वाले हैं इस फिल्म का नाम है जुदाई। जुदाई फिल्म 1997 में एक बनी हिंदी मूवी है जिसका निर्देशन राजकुमार के द्वारा किया गया था। इसके मुख्य कलाकार अनिल कुमार, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ कादर खान, फरीदा जलाल, जोनी लीवर, फ्रेश रावल, उपासना सिंह और सईद जाफरी इसके सहायक भूमिका में शामिल थे, जबकि एक विशेष परिस्थिति के दौरान ये फिल्म का बनाया गया था। फिल्म के डायरेक्टर सुरेंद्र कपूर और बोनू कपूर थे। इसके लेखक प्रकाश राज थे और अभिनेता में भी अनिल कपूर, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ ये फिल्म को बता दें कि फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है जब काजल श्रीदेवी पेशे से अभिनेता राज यानी कि अनिल कपूर से शादी करती है तो उसके पिता कादर खान स्वचालित रूप से वह अमीर हैं, यहाँ तक कि दो बच्चों के जन्म एक बेटी और छोटी बेटी हैं। विवाह के कई सालों में भी वह बदलती नहीं है। इसका उदाहरण तब होता है जब काजल अपनी पुरानी सहेली निशा यानी कि पूनम ढिल्लो से मिलती है और कहती है कि उसका पति बड़ा बिजनेसमैन है, उसके परिवार के पास कई कार हैं और एक बड़े बंगले में रहते हैं। लेकिन निशा जो वास्तव में अमीर सच जान लेती है जब जानवी यानी कि उर्मिला मातुंडकर राज के मालिक साहिनी शहीद जाफरी की भतीजी विदेश से आती हैं। इस मूवी को आप अलग अलग तरीक़ों से नहीं देख सकते, जबकि यह फिल्म आपको YouTube के प्रीमियर पर भी देखने को मिलेगी। यह फिल्म 1994 की तेलुगु फिल्म शुभ लगावन की रीमेक थी। यह श्रीदेवी की अंतिम फिल्म थी जब तक कि उन्होंने 2012 में इंग्लिश फिल्म से वापसी नहीं की थी। दोस्तों, आज जो हम आपको बताने वाले हैं इस फिल्म का नाम है जुदाई। जुदाई फिल्म 1997 में एक बनी हिंदी मूवी है जिसका निर्देशन राजकुमार के द्वारा किया गया था। इसके मुख्य कलाकार अनिल कुमार, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ कादर खान, फरीदा जलाल, जोनी लीवर, फ्रेश रावल, उपासना सिंह और सईद जाफरी इसके सहायक भूमिका में शामिल थे, जबकि एक विशेष परिस्थिति के दौरान ये फिल्म का बनाया गया था। फिल्म के डायरेक्टर सुरेंद्र कपूर और बोनू कपूर थे। इसके लेखक प्रकाश राज थे और अभिनेता में भी अनिल कपूर, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ ये फिल्म को बता दें कि फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है जब काजल श्रीदेवी पेशे से अभिनेता राज यानी कि अनिल कपूर से शादी करती है तो उसके पिता कादर खान स्वचालित रूप से वह अमीर हैं, यहाँ तक कि दो बच्चों के जन्म एक बेटी और छोटी बेटी हैं। विवाह के कई सालों में भी वह बदलती नहीं है। इसका उदाहरण तब होता है जब काजल अपनी पुरानी सहेली निशा यानी कि पूनम ढिल्लो से मिलती है और कहती है कि उसका पति बड़ा बिजनेसमैन है, उसके परिवार के पास कई कार हैं और एक बड़े बंगले में रहते हैं। लेकिन निशा जो वास्तव में अमीर सच जान लेती है जब जानवी यानी कि उर्मिला मातोंडकर राज के मालिक साहिनी शहीद जाफरी की भतीजी विदेश से आती हैं। इस मूवी को आप अलग अलग तरीक़ों से नहीं देख सकते, जबकि यह फिल्म आपको YouTube के प्रीमियर पर भी देखने को मिलेगी। यह फिल्म 1994 की तेलुगु फिल्म शुभ लगावन की रीमेक थी। यह श्रीदेवी की अंतिम फिल्म थी जब तक कि उन्होंने 2012 में
इंग्लिश विंग्लिश से वापसी नहीं की थी। दोस्तों, आज जो हम आपको बताने वाले हैं, इस फिल्म का नाम है जुदाई। जुदाई फिल्म 1997 में एक बनी हिंदी मूवी है, जिसका निर्देशन राजकुमार के द्वारा किया गया था। इसके मुख्य कलाकार अनिल कुमार, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ कादर खान, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, परेश रावल, उपासना सिंह और सईद जाफरी इसके सहायक भूमिका में शामिल थे, जबकि एक विशेष परिस्थिति के दौरान ये फिल्म का बनाया गया था। फिल्म के डायरेक्टर सुरेंद्र कपूर और बोनू कपूर थे। इसके लेखक प्रकाश राज थे और अभिनेता में भी अनिल कपूर, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ ये फिल्म को बता दें कि फिल्म की कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है, जब काजल श्रीदेवी पेशे से अभिनेता राज यानी कि अनिल कपूर से शादी करती है, तो उसके पिता कादर खान स्वचालित रूप से वह अमीर हैं, यहाँ तक कि दो बच्चों के जन्म एक बेटी और छोटी बेटी है। विवाह के कई सालों में भी वह बदलती नहीं है। इसका उदाहरण तब होता है जब काजल अपनी पुरानी सहेली निशा यानी कि पूनम ढिल्लो से मिलती है और कहती है कि उसका पति बड़ा बिजनेसमैन है, उसके परिवार के पास कई कार हैं और एक बड़े बंगले में रहते हैं। लेकिन निशा जो वास्तव में अमीर सच जान लेती है जब जानवी यानी कि उर्मिला मातोंडकर राज के मालिक साहिनी शहीद जाफरी की भतीजी विदेश से आती हैं। इस मूवी को आप अलग अलग तरीक़ों से नहीं देख सकते, जबकि यह फिल्म आपको YouTube के प्रीमियर पर भी देखने को मिलेगी। यह फिल्म 1994 की तेलुगु फिल्म शुभ लगावन की रीमेक थी। यह श्रीदेवी की अंतिम फिल्म थी, जब तक कि उन्होंने 2012 में इंग्लिश विंग्लिश से वापसी नहीं की थी। दोस्तों, आज जो हम आपको बताने वाले हैं, इस फिल्म का नाम है जुदाई। जुदाई फिल्म 1997 में एक बनी हिंदी मूवी है, जिसका निर्देशन राजकुमार के द्वारा किया गया था। इसके मुख्य कलाकार अनिल कुमार, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ कादर खान, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, परेश रावल, उपासना सिंह और सईद जाफरी इसके सहायक भूमिका में शामिल थे, जबकि एक विशेष परिस्थिति के दौरान ये फिल्म का बनाया गया था। फिल्म के डायरेक्टर सुरेंद्र कपूर और बोनू कपूर थे। इसके लेखक प्रकाश राज थे और अभिनेता में भी अनिल कपूर, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ ये फिल्म को बता दें कि फिल्म की कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है, जब काजल श्रीदेवी पेशे से अभिनेता राज यानी कि अनिल कपूर से शादी करती है, तो उसके पिता कादर खान स्वचालित रूप से वह अमीर हैं, यहाँ तक कि दो बच्चों के जन्म एक बेटी और छोटी बेटी है। विवाह के कई सालों में भी वह बदलती नहीं है। इसका उदाहरण तब होता है जब काजल अपनी पुरानी सहेली निशा यानी कि पूनम ढिल्लो से मिलती है और कहती है कि उसका पति बड़ा बिजनेसमैन है, उसके परिवार के पास कई कार हैं और एक बड़े बंगले में रहते हैं। लेकिन निशा जो वास्तव में अमीर सच जान लेती है जब जानवी यानी कि उर्मिला मातोंडकर राज के मालिक साहिनी शहीद जाफरी की भतीजी विदेश से आती हैं। इस मूवी को आप अलग अलग तरीक़ों से नहीं देख सकते, जबकि यह फिल्म आपको YouTube के प्रीमियर पर भी देखने को मिलेगी। यह फिल्म 1994 की तेलुगु फिल्म शुभ लगावन की रीमेक थी। यह श्रीदेवी की अंतिम फिल्म थी, जब तक कि उन्होंने 2012 में इंग्लिश विंग्लिश से वापसी नहीं की थी। दोस्तों, आज जो हम आपको बताने वाले हैं, इस फिल्म का नाम है जुदाई। जुदाई फिल्म 1997 में एक बनी हिंदी मूवी है, जिसका निर्देशन राजकुमार के द्वारा किया गया था। इसके मुख्य कलाकार अनिल कुमार, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ कादर खान, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, परेश रावल, उपासना सिंह और सईद जाफरी इसके सहायक भूमिका में शामिल थे, जबकि एक विशेष परिस्थिति के दौरान ये फिल्म का बनाया गया था। फिल्म के डायरेक्टर सुरेंद्र कपूर और बोनू कपूर थे। इसके लेखक प्रकाश राज थे और अभिनेता में भी अनिल कपूर, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी।
इसी के साथ ये फिल्म को बता दें कि फिल्म की कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है, जब काजल श्रीदेवी पेशे से अभिनेता राज यानी कि अनिल कपूर से शादी करती है, तो उसके पिता कादर खान स्वचालित रूप से वह अमीर हैं, यहाँ तक कि दो बच्चों के जन्म एक बेटी और छोटी बेटी है। विवाह के कई सालों में भी वह बदलती नहीं है। इसका उदाहरण तब होता है जब काजल अपनी पुरानी सहेली निशा यानी कि पूनम ढिल्लो से मिलती है और कहती है कि उसका पति बड़ा बिजनेसमैन है, उसके परिवार के पास कई कार हैं और एक बड़े बंगले में रहते हैं। लेकिन निशा जो वास्तव में अमीर सच जान लेती है जब जानवी यानी कि उर्मिला मातोंडकर राज के मालिक साहिनी शहीद जाफरी की भतीजी विदेश से आती हैं। इस मूवी को आप अलग अलग तरीक़ों से नहीं देख सकते, जबकि यह फिल्म आपको YouTube के प्रीमियर पर भी देखने को मिलेगी। यह फिल्म 1994 की तेलुगु फिल्म शुभ लगावन की रीमेक थी। यह श्रीदेवी की अंतिम फिल्म थी, जब तक कि उन्होंने 2012 में इंग्लिश मूवी से वापसी नहीं की थी। दोस्तों, आज जो हम आपको बताने वाले हैं, इस फिल्म का नाम है जुदाई। जुदाई फिल्म 1997 में एक बनी हिंदी मूवी है, जिसका निर्देशन राजकुमार के द्वारा किया गया था। इसके मुख्य कलाकार अनिल कुमार, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ कादर खान, फरीदा जलाल, जोनी लीवर, प्रेस रावल, उपासना सिंह और सईद जाफरी इसके सहायक भूमिका में शामिल थे, जबकि एक विशेष परिस्थिति के दौरान ये फिल्म का बनाया गया था। फिल्म के डायरेक्टर सुरेंद्र कपूर और बोनू कपूर थे। इसके लेखक प्रकाश राज थे और अभिनेता में भी अनिल कपूर, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ ये फिल्म को बता दें कि फिल्म की कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है, जब काजल श्रीदेवी पेशे से अभिनेता राज यानी कि अनिल कपूर से शादी करती है, तो उसके पिता कादर खान स्वचालित रूप से वह अमीर हैं, यहाँ तक कि दो बच्चों के जन्म एक बेटी और छोटी बेटी है। विवाह के कई सालों में भी वह बदलती नहीं है। इसका उदाहरण तब होता है जब काजल अपनी पुरानी सहेली निशा यानी कि पूनम ढिल्लो से मिलती है और कहती है कि उसका पति बड़ा बिजनेसमैन है, उसके परिवार के पास कई कार हैं और एक बड़े बंगले में रहते हैं। लेकिन निशा जो वास्तव में अमीर सच जान लेती है जब जानवी यानी कि उर्मिला मातोंडकर राज के मालिक साहिनी शहीद जाफरी की भतीजी विदेश से आती हैं। इस मूवी को आप अलग अलग तरीक़ों से नहीं देख सकते, जबकि यह फिल्म आपको YouTube के प्रीमियर पर भी देखने को मिलेगी। यह फिल्म 1994 की तेलुगु फिल्म शुभ लगावन की रीमेक थी। यह श्रीदेवी की अंतिम फिल्म थी, जब तक कि उन्होंने 2012 में इंग्लिश मूवी से वापसी नहीं की थी। दोस्तों, आज जो हम आपको बताने वाले हैं, इस फिल्म का नाम है जुदाई। जुदाई फिल्म 1997 में एक बनी हिंदी मूवी है, जिसका निर्देशन राजकुमार के द्वारा किया गया था। इसके मुख्य कलाकार अनिल कुमार, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ कादर खान, फरीदा जलाल, जोनी लीवर, प्रेस रावल, उपासना सिंह और सईद जाफरी इसके सहायक भूमिका में शामिल थे, जबकि एक विशेष परिस्थिति के दौरान ये फिल्म का बनाया गया था। फिल्म के डायरेक्टर सुरेंद्र कपूर और बोनू कपूर थे। इसके लेखक प्रकाश राज थे और अभिनेता में भी अनिल कपूर, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ ये फिल्म को बता दें कि फिल्म की कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है, जब काजल श्रीदेवी पेशे से अभिनेता राज यानी कि अनिल कपूर से शादी करती है, तो उसके पिता कादर खान स्वचालित रूप से वह अमीर हैं, यहाँ तक कि दो बच्चों के जन्म एक बेटी और छोटी बेटी है। विवाह के कई सालों में भी वह बदलती नहीं है। इसका उदाहरण तब होता है जब काजल अपनी पुरानी सहेली निशा यानी कि पूनम ढिल्लो से मिलती है और कहती है कि उसका पति बड़ा बिजनेसमैन है, उसके परिवार के पास कई कार हैं और एक बड़े बंगले में रहते हैं। लेकिन निशा जो वास्तव में अमीर सच जान लेती है जब जानवी यानी कि उर्मिला मातोंडकर राज के मालिक साहिनी शहीद जाफरी की भतीजी विदेश से आती हैं। इस मूवी को आप अलग अलग तरीक़ों से
नहीं देख सकते, जबकि यह फिल्म आपको YouTube के प्रीमियर पर भी देखने को मिलेगी। यह फिल्म 1994 की तेलुगु फिल्म शुभ लगावन की रीमेक थी। यह श्रीदेवी की अंतिम फिल्म थी, जब तक कि उन्होंने 2012 में इंग्लिश फिल्म से वापसी नहीं की थी। दोस्तों, आज जो हम आपको बताने वाले हैं, इस फिल्म का नाम है जुदाई। जुदाई फिल्म 1997 में एक बनी हिंदी मूवी है, जिसका निर्देशन राजकुमार के द्वारा किया गया था। इसके मुख्य कलाकार अनिल कुमार, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ कादर खान, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, फ्रेश रावल, उपासना सिंह और सईद जाफरी इसके सहायक भूमिका में शामिल थे, जबकि एक विशेष परिस्थिति के दौरान ये फिल्म का बनाया गया था। फिल्म के डायरेक्टर सुरेंद्र कपूर और बोनू कपूर थे। इसके लेखक प्रकाश राज थे और अभिनेता में भी अनिल कपूर, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ ये फिल्म को बता दें कि फिल्म की कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है, जब काजल श्रीदेवी पेशे से अभिनेता राज यानी कि अनिल कपूर से शादी करती है, तो उसके पिता कादर खान स्वचालित रूप से वह अमीर हैं, यहाँ तक कि दो बच्चों के जन्म एक बेटी और छोटी बेटी हैं। विवाह के कई सालों में भी वह बदलती नहीं है। इसका उदाहरण तब होता है जब काजल अपनी पुरानी सहेली निशा यानी कि पूनम ढिल्लो से मिलती है और कहती है कि उसका पति बड़ा बिजनेसमैन है, उसके परिवार के पास कई कार हैं और एक बड़े बंगले में रहते हैं। लेकिन निशा जो वास्तव में अमीर सच जान लेती है, जब जानवी यानी कि उर्मिला मातोंडकर राज के मालिक साहिनी शहीद जाफरी की भतीजी विदेश से आती हैं। इस मूवी को आप अलग अलग तरीक़ों से नहीं देख सकते, जबकि यह फिल्म आपको YouTube के प्रीमियर पर भी देखने को मिलेगी। यह फिल्म 1994 की तेलुगु फिल्म शुभ लगावन की रीमेक थी। यह श्रीदेवी की अंतिम फिल्म थी, जब तक कि उन्होंने 2012 में इंग्लिश फिल्म से वापसी नहीं की थी। दोस्तों, आज जो हम आपको बताने वाले हैं, इस फिल्म का नाम है जुदाई। जुदाई फिल्म 1997 में एक बनी हिंदी मूवी है, जिसका निर्देशन राजकुमार के द्वारा किया गया था। इसके मुख्य कलाकार अनिल कुमार, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ कादर खान, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, फ्रेश रावल, उपासना सिंह और सईद जाफरी इसके सहायक भूमिका में शामिल थे, जबकि एक विशेष परिस्थिति के दौरान ये फिल्म का बनाया गया था। फिल्म के डायरेक्टर सुरेंद्र कपूर और बोनू कपूर थे। इसके लेखक प्रकाश राज थे और अभिनेता में भी अनिल कपूर, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ ये फिल्म को बता दें कि फिल्म की कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है, जब काजल श्रीदेवी पेशे से अभिनेता राज यानी कि अनिल कपूर से शादी करती है, तो उसके पिता कादर खान स्वचालित रूप से वह अमीर हैं, यहाँ तक कि दो बच्चों के जन्म एक बेटी और छोटी बेटी हैं। विवाह के कई सालों में भी वह बदलती नहीं है। इसका उदाहरण तब होता है जब काजल अपनी पुरानी सहेली निशा यानी कि पूनम ढिल्लो से मिलती है और कहती है कि उसका पति बड़ा बिजनेसमैन है, उसके परिवार के पास कई कार हैं और एक बड़े बंगले में रहते हैं। लेकिन निशा जो वास्तव में अमीर सच जान लेती है, जब जानवी यानी कि उर्मिला मातोंडकर राज के मालिक साहिनी शहीद जाफरी की भतीजी विदेश से आती हैं। इस मूवी को आप अलग अलग तरीक़ों से नहीं देख सकते, जबकि यह फिल्म आपको YouTube के प्रीमियर पर भी देखने को मिलेगी। यह फिल्म 1994 की तेलुगु फिल्म शुभ लगावन की रीमेक थी। यह श्रीदेवी की अंतिम फिल्म थी, जब तक कि उन्होंने 2012 में इंग्लिश फिल्म से वापसी नहीं की थी। दोस्तों, आज जो हम आपको बताने वाले हैं, इस फिल्म का नाम है जुदाई। जुदाई फिल्म 1997 में एक बनी हिंदी मूवी है, जिसका निर्देशन राजकुमार के द्वारा किया गया था। इसके मुख्य कलाकार अनिल कुमार, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ कादर खान, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, फ्रेश रावल, उपासना सिंह और सईद जाफरी इसके सहायक भूमिका में
शामिल थे, जबकि एक विशेष परिस्थिति के दौरान ये फिल्म का बनाया गया था। फिल्म के डायरेक्टर सुरेंद्र कपूर और बोनू कपूर थे, इसके लेखक प्रकाश राज थे और अभिनेता में भी अनिल कपूर, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ ये फिल्म को बता दें कि फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है, जब काजल श्रीदेवी पेशे से अभिनेता राज यानी कि अनिल कपूर से शादी करती है, तो उसके पिता कादर खान स्वचालित रूप से वह अमीर हैं, यहाँ तक कि दो बच्चों के जन्म एक बेटी और छोटी बेटी हैं। विवाह के कई सालों में भी वह बदलती नहीं है। इसका उदाहरण तब होता है जब काजल अपनी पुरानी सहेली निशा यानी कि पूनम ढिल्लो से मिलती है और कहती है कि उसका पति बड़ा बिजनेसमैन है, उसके परिवार के पास कई कार हैं और एक बड़े बंगले में रहते हैं। लेकिन निशा जो वास्तव में अमीर सत्य जान लेती है जब जानवी यानी कि उर्मिला मातोंडकर राज के मालिक साहिनी शहीद जाफरी की भतीजी विदेश से आती हैं। इस मूवी को आप अलग अलग तरीक़ों से नहीं देख सकते, जबकि यह फिल्म आपको YouTube के प्रीमियर पर भी देखने को मिलेगी। यह फिल्म 1994 की तेलुगु फिल्म शुभ लगावन की रीमेक थी। यह श्रीदेवी की अंतिम फिल्म थी, जब तक कि उन्होंने 2012 में इंग्लिश फिल्म से वापसी नहीं की थी। दोस्तों, आज जो हम आपको बताने वाले हैं, इस फिल्म का नाम है जुदाई। जुदाई फिल्म 1997 में एक बनी हिंदी मूवी है, जिसका निर्देशन राजकुमार के द्वारा किया गया था। इसके मुख्य कलाकार अनिल कुमार, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ कादर खान, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, परेश रावल, उपासना सिंह और सईद जाफरी इसके सहायक भूमिका में शामिल थे, जबकि एक विशेष परिस्थिति के दौरान ये फिल्म का बनाया गया था। फिल्म के डायरेक्टर सुरेंद्र कपूर और बोनू कपूर थे, इसके लेखक प्रकाश राज थे और अभिनेता में भी अनिल कपूर, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ ये फिल्म को बता दें कि फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है, जब काजल श्रीदेवी पेशे से अभिनेता राज यानी कि अनिल कपूर से शादी करती है, तो उसके पिता कादर खान स्वचालित रूप से वह अमीर हैं, यहाँ तक कि दो बच्चों के जन्म एक बेटी और छोटी बेटी हैं। विवाह के कई सालों में भी वह बदलती नहीं है। इसका उदाहरण तब होता है जब काजल अपनी पुरानी सहेली निशा यानी कि पूनम ढिल्लो से मिलती है और कहती है कि उसका पति बड़ा बिजनेसमैन है, उसके परिवार के पास कई कार हैं और एक बड़े बंगले में रहते हैं। लेकिन निशा जो वास्तव में अमीर सत्य जान लेती है जब जानवी यानी कि उर्मिला मातोंडकर राज के मालिक साहिनी शहीद जाफरी की भतीजी विदेश से आती हैं। इस मूवी को आप अलग अलग तरीक़ों से नहीं देख सकते, जबकि यह फिल्म आपको YouTube के प्रीमियर पर भी देखने को मिलेगी। यह फिल्म 1994 की तेलुगु फिल्म शुभ लगावन की रीमेक थी। यह श्रीदेवी की अंतिम फिल्म थी, जब तक कि उन्होंने 2012 में इंग्लिश फिल्म से वापसी नहीं की थी। दोस्तों, आज जो हम आपको बताने वाले हैं, इस फिल्म का नाम है जुदाई। जुदाई फिल्म 1997 में एक बनी हिंदी मूवी है, जिसका निर्देशन राजकुमार के द्वारा किया गया था। इसके मुख्य कलाकार अनिल कुमार, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ कादर खान, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, परेश रावल, उपासना सिंह और सईद जाफरी इसके सहायक भूमिका में शामिल थे, जबकि एक विशेष परिस्थिति के दौरान ये फिल्म का बनाया गया था। फिल्म के डायरेक्टर सुरेंद्र कपूर और बोनू कपूर थे, इसके लेखक प्रकाश राज थे और अभिनेता में भी अनिल कपूर, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ ये फिल्म को बता दें कि फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है, जब काजल श्रीदेवी पेशे से अभिनेता राज यानी कि अनिल कपूर से शादी करती है, तो उसके पिता कादर खान स्वचालित रूप से वह अमीर हैं, यहाँ तक कि दो बच्चों के जन्म एक बेटी और छोटी बेटी हैं। विवाह के कई सालों में भी वह बदलती नहीं है। इसका उदाहरण तब होता है जब काजल अपनी पुरानी सहेली निशा यानी कि पूनम ढिल्लो से मिलती है और कहती है कि उसका पति बड़ा बिजनेसमैन है,
उसके परिवार के पास कई कार हैं और एक बड़े बंगले में रहते हैं। लेकिन निशा जो वास्तव में अमीर सच जान लेती है, जब जानवी यानी कि उर्मिला मातुंडकर राज के मालिक साहिनी शहीद जाफरी की भतीजी विदेश से आती हैं। इस मूवी को आप अलग अलग तरीक़ों से नहीं देख सकते, जबकि यह फिल्म आपको YouTube के प्रीमियर पर भी देखने को मिलेगी। यह फिल्म 1994 की तेलुगु फिल्म शुभ लगावन की रीमेक थी। यह श्रीदेवी की अंतिम फिल्म थी, जब तक कि उन्होंने 2012 में इंग्लिश मूवी से वापसी नहीं की थी। दोस्तों, आज जो हम आपको बताने वाले हैं, इस फिल्म का नाम है जुदाई। जुदाई फिल्म 1997 में एक बनी हिंदी मूवी है, जिसका निर्देशन राजकुमार के द्वारा किया गया था। इसके मुख्य कलाकार अनिल कुमार, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ कादर खान, फरीदा जलाल, जोनी लीवर, फ्रेश रावल, उपासना सिंह और सईद जाफरी इसके सहायक भूमिका में शामिल थे, जबकि एक विशेष परिस्थिति के दौरान ये फिल्म का बनाया गया था। फिल्म के डायरेक्टर सुरेंद्र कपूर और बोनू कपूर थे। इसके लेखक प्रकाश राज थे और अभिनेता में भी अनिल कपूर, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ ये फिल्म को बता दें कि फिल्म की कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है, जब काजल श्रीदेवी पेशे से अभिनेता राज यानी कि अनिल कपूर से शादी करती है, तो उसके पिता कादर खान स्वचालित रूप से वह अमीर हैं। यहाँ तक कि दो बच्चों के जन्म एक बेटी और छोटी बेटी हैं। विवाह के कई सालों में भी वह बदलती नहीं है। इसका उदाहरण तब होता है जब काजल अपनी पुरानी सहेली निशा यानी कि पूनम ढिल्लो से मिलती है और कहती है कि उसका पति बड़ा बिजनेसमैन है, उसके परिवार के पास कई कार हैं और एक बड़े बंगले में रहते हैं। लेकिन निशा जो वास्तव में अमीर सच जान लेती है, जब जानवी यानी कि उर्मिला मातोंडकर राज के मालिक साहिनी शहीद जाफरी की भतीजी विदेश से आती हैं। इस मूवी को आप अलग अलग तरीक़ों से नहीं देख सकते, जबकि यह फिल्म आपको YouTube के प्रीमियर पर भी देखने को मिलेगी। यह फिल्म 1994 की तेलुगु फिल्म शुभ लगावन की रीमेक थी। यह श्रीदेवी की अंतिम फिल्म थी, जब तक कि उन्होंने 2012 में इंग्लिश मूवी से वापसी नहीं की थी। दोस्तों, आज जो हम आपको बताने वाले हैं, इस फिल्म का नाम है जुदाई। जुदाई फिल्म 1997 में एक बनी हिंदी मूवी है, जिसका निर्देशन राजकुमार के द्वारा किया गया था। इसके मुख्य कलाकार अनिल कुमार, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ कादर खान, फरीदा जलाल, जोनी लीवर, फ्रेश रावल, उपासना सिंह और सईद जाफरी इसके सहायक भूमिका में शामिल थे, जबकि एक विशेष परिस्थिति के दौरान ये फिल्म का बनाया गया था। फिल्म के डायरेक्टर सुरेंद्र कपूर और बोनू कपूर थे। इसके लेखक प्रकाश राज थे और अभिनेता में भी अनिल कपूर, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ ये फिल्म को बता दें कि फिल्म की कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है, जब काजल श्रीदेवी पेशे से अभिनेता राज यानी कि अनिल कपूर से शादी करती है, तो उसके पिता कादर खान स्वचालित रूप से वह अमीर हैं। यहाँ तक कि दो बच्चों के जन्म एक बेटी और छोटी बेटी हैं। विवाह के कई सालों में भी वह बदलती नहीं है। इसका उदाहरण तब होता है जब काजल अपनी पुरानी सहेली निशा यानी कि पूनम ढिल्लो से मिलती है और कहती है कि उसका पति बड़ा बिजनेसमैन है, उसके परिवार के पास कई कार हैं और एक बड़े बंगले में रहते हैं। लेकिन निशा जो वास्तव में अमीर सच जान लेती है, जब जानवी यानी कि उर्मिला मातोंडकर राज के मालिक साहिनी शहीद जाफरी की भतीजी विदेश से आती हैं। इस मूवी को आप अलग अलग तरीक़ों से नहीं देख सकते, जबकि यह फिल्म आपको YouTube के प्रीमियर पर भी देखने को मिलेगी। यह फिल्म 1994 की तेलुगु फिल्म शुभ लगावन की रीमेक थी। यह श्रीदेवी की अंतिम फिल्म थी, जब तक कि उन्होंने 2012 में इंग्लिश मूवी से वापसी नहीं की थी। दोस्तों, आज जो हम आपको बताने वाले हैं, इस फिल्म का नाम है जुदाई। जुदाई फिल्म 1997 में एक बनी हिंदी मूवी है,
जिसका निर्देशन राजकुमार के द्वारा किया गया था। इसके मुख्य कलाकार अनिल कुमार, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ कादर खान, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, परेश रावल, उपासना सिंह और सईद जाफरी इसके सहायक भूमिका में शामिल थे, जबकि एक विशेष परिस्थिति के दौरान ये फिल्म का बनाया गया था। फिल्म के डायरेक्टर सुरेंद्र कपूर और बोनू कपूर थे। इसके लेखक प्रकाश राज थे और अभिनेता में भी अनिल कपूर, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ ये फिल्म को बता दें कि फिल्म की कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है, जब काजल श्रीदेवी पेशे से अभिनेता राज यानी कि अनिल कपूर से शादी करती है, तो उसके पिता कादर खान स्वचालित रूप से वह अमीर हैं, यहाँ तक कि दो बच्चों के जन्म एक बेटी और छोटी बेटी हैं। विवाह के कई सालों में भी वह बदलती नहीं है। इसका उदाहरण तब होता है जब काजल अपनी पुरानी सहेली निशा यानी कि पूनम ढिल्लो से मिलती है और कहती है कि उसका पति बड़ा बिजनेसमैन है, उसके परिवार के पास कई कार हैं और एक बड़े बंगले में रहते हैं। लेकिन निशा जो वास्तव में अमीर सच जान लेती है जब जानवी यानी कि उर्मिला मातोंडकर राज के मालिक साहिनी शहीद जाफरी की भतीजी विदेश से आती हैं। इस मूवी को आप अलग अलग तरीक़ों से नहीं देख सकते, जबकि यह फिल्म आपको YouTube के प्रीमियर पर भी देखने को मिलेगी। यह फिल्म 1994 की तेलुगु फिल्म शुभ लगावन की रीमेक थी। यह श्रीदेवी की अंतिम फिल्म थी, जब तक कि उन्होंने 2012 में इंग्लिश मूवी से वापसी नहीं की थी। दोस्तों, आज जो हम आपको बताने वाले हैं, इस फिल्म का नाम है जुदाई। जुदाई फिल्म 1997 में एक बनी हिंदी मूवी है, जिसका निर्देशन राजकुमार के द्वारा किया गया था। इसके मुख्य कलाकार अनिल कुमार, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ कादर खान, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, परेश रावल, उपासना सिंह और सईद जाफरी इसके सहायक भूमिका में शामिल थे, जबकि एक विशेष परिस्थिति के दौरान ये फिल्म का बनाया गया था। फिल्म के डायरेक्टर सुरेंद्र कपूर और बोनू कपूर थे। इसके लेखक प्रकाश राज थे और अभिनेता में भी अनिल कपूर, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ ये फिल्म को बता दें कि फिल्म की कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है, जब काजल श्रीदेवी पेशे से अभिनेता राज यानी कि अनिल कपूर से शादी करती है, तो उसके पिता कादर खान स्वचालित रूप से वह अमीर हैं, यहाँ तक कि दो बच्चों के जन्म एक बेटी और छोटी बेटी हैं। विवाह के कई सालों में भी वह बदलती नहीं है। इसका उदाहरण तब होता है जब काजल अपनी पुरानी सहेली निशा यानी कि पूनम ढिल्लो से मिलती है और कहती है कि उसका पति बड़ा बिजनेसमैन है, उसके परिवार के पास कई कार हैं और एक बड़े बंगले में रहते हैं। लेकिन निशा जो वास्तव में अमीर सच जान लेती है जब जानवी यानी कि उर्मिला मातोंडकर राज के मालिक साहिनी शहीद जाफरी की भतीजी विदेश से आती हैं। इस मूवी को आप अलग अलग तरीक़ों से नहीं देख सकते, जबकि यह फिल्म आपको YouTube के प्रीमियर पर भी देखने को मिलेगी। यह फिल्म 1994 की तेलुगु फिल्म शुभ लगावन की रीमेक थी। यह श्रीदेवी की अंतिम फिल्म थी, जब तक कि उन्होंने 2012 में इंग्लिश मूवी से वापसी नहीं की थी। दोस्तों, आज जो हम आपको बताने वाले हैं, इस फिल्म का नाम है जुदाई। जुदाई फिल्म 1997 में एक बनी हिंदी मूवी है, जिसका निर्देशन राजकुमार के द्वारा किया गया था। इसके मुख्य कलाकार अनिल कुमार, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ कादर खान, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, परेश रावल, उपासना सिंह और सईद जाफरी इसके सहायक भूमिका में शामिल थे, जबकि एक विशेष परिस्थिति के दौरान ये फिल्म का बनाया गया था। फिल्म के डायरेक्टर सुरेंद्र कपूर और बोनू कपूर थे। इसके लेखक प्रकाश राज थे और अभिनेता में भी अनिल कपूर, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ ये फिल्म को बता दें कि फिल्म की कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है, जब काजल श्रीदेवी पेशे से अभिनेता राज यानी कि अनिल कपूर से शादी करती है,
तो उसके पिता कादर खान स्वचालित रूप से वह अमीर हैं। यहाँ तक कि दो बच्चों के जन्म एक बेटी और छोटी बेटी हैं। विवाह के कई सालों में भी वह बदलती नहीं है। इसका उदाहरण तब होता है जब काजल अपनी पुरानी सहेली निशा यानी कि पूनम ढिल्लो से मिलती है और कहती है कि उसका पति बड़ा बिजनेसमैन है, उसके परिवार के पास कई कार हैं और एक बड़े बंगले में रहते हैं। लेकिन निशा जो वास्तव में अमीर सच जान लेती है जब जानवी यानी कि उर्मिला मातोंडकर राज के मालिक साहिनी शहीद जाफरी की भतीजी विदेश से आती हैं। इस मूवी को आप अलग अलग तरीक़ों से नहीं देख सकते, जबकि यह फिल्म आपको YouTube के प्रीमियर पर भी देखने को मिलेगी। यह फिल्म 1994 की तेलुगु फिल्म शुभ लगावन की रीमेक थी। यह श्रीदेवी की अंतिम फिल्म थी जब तक कि उन्होंने 2012 में इंग्लिश फिल्म से वापसी नहीं की थी। दोस्तों, आज जो हम आपको बताने वाले हैं इस फिल्म का नाम है जुदाई। जुदाई फिल्म 1997 में एक बनी हिंदी मूवी है जिसका निर्देशन राजकुमार के द्वारा किया गया था। इसके मुख्य कलाकार अनिल कुमार, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ कादर खान, फरीदा जलाल, जोनी लीवर, फ्रेश रावल, उपासना सिंह और सईद जाफरी इसके सहायक भूमिका में शामिल थे, जबकि एक विशेष परिस्थिति के दौरान ये फिल्म का बनाया गया था। फिल्म के डायरेक्टर सुरेंद्र कपूर और बोनू कपूर थे। इसके लेखक प्रकाश राज थे और अभिनेता में भी अनिल कपूर, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ ये फिल्म को बता दें कि फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है जब काजल श्रीदेवी पेशे से अभिनेता राज यानी कि अनिल कपूर से शादी करती है, तो उसके पिता कादर खान स्वचालित रूप से वह अमीर हैं। यहाँ तक कि दो बच्चों के जन्म एक बेटी और छोटी बेटी हैं। विवाह के कई सालों में भी वह बदलती नहीं है। इसका उदाहरण तब होता है जब काजल अपनी पुरानी सहेली निशा यानी कि पूनम ढिल्लो से मिलती है और कहती है कि उसका पति बड़ा बिजनेसमैन है, उसके परिवार के पास कई कार हैं और एक बड़े बंगले में रहते हैं। लेकिन निशा जो वास्तव में अमीर सच जान लेती है जब जानवी यानी कि उर्मिला मातोंडकर राज के मालिक साहिनी शहीद जाफरी की भतीजी विदेश से आती हैं। इस मूवी को आप अलग अलग तरीक़ों से नहीं देख सकते, जबकि यह फिल्म आपको YouTube के प्रीमियर पर भी देखने को मिलेगी। यह फिल्म 1994 की तेलुगु फिल्म शुभ लगावन की रीमेक थी। यह श्रीदेवी की अंतिम फिल्म थी जब तक कि उन्होंने 2012 में इंग्लिश फिल्म से वापसी नहीं की थी। दोस्तों, आज जो हम आपको बताने वाले हैं इस फिल्म का नाम है जुदाई। जुदाई फिल्म 1997 में एक बनी हिंदी मूवी है जिसका निर्देशन राजकुमार के द्वारा किया गया था। इसके मुख्य कलाकार अनिल कुमार, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ कादर खान, फरीदा जलाल, जोनी लीवर, फ्रेश रावल, उपासना सिंह और सईद जाफरी इसके सहायक भूमिका में शामिल थे, जबकि एक विशेष परिस्थिति के दौरान ये फिल्म का बनाया गया था। फिल्म के डायरेक्टर सुरेंद्र कपूर और बोनू कपूर थे। इसके लेखक प्रकाश राज थे और अभिनेता में भी अनिल कपूर, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ ये फिल्म को बता दें कि फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है जब काजल श्रीदेवी पेशे से अभिनेता राज यानी कि अनिल कपूर से शादी करती है, तो उसके पिता कादर खान स्वचालित रूप से वह अमीर हैं। यहाँ तक कि दो बच्चों के जन्म एक बेटी और छोटी बेटी हैं। विवाह के कई सालों में भी वह बदलती नहीं है। इसका उदाहरण तब होता है जब काजल अपनी पुरानी सहेली निशा यानी कि पूनम ढिल्लो से मिलती है और कहती है कि उसका पति बड़ा बिजनेसमैन है, उसके परिवार के पास कई कार हैं और एक बड़े बंगले में रहते हैं। लेकिन निशा जो वास्तव में अमीर सच जान लेती है जब जानवी यानी कि उर्मिला मातोंडकर राज के मालिक साहिनी शहीद जाफरी की भतीजी विदेश से आती हैं। इस मूवी को आप अलग अलग तरीक़ों से नहीं देख सकते, जबकि यह फिल्म आपको YouTube के प्रीमियर पर भी देखने को मिलेगी। यह फिल्म 1994 की तेलुगु फिल्म
शुभ लगावन की रीमेक थी। यह श्रीदेवी की अंतिम फिल्म थी जब तक कि उन्होंने 2012 में इंग्लिश विंग्लिश से वापसी नहीं की थी। दोस्तों, आज जो हम आपको बताने वाले हैं, इस फिल्म का नाम है जुदाई। जुदाई फिल्म 1997 में एक बनी हिंदी मूवी है जिसका निर्देशन राजकुमार के द्वारा किया गया था। इसके मुख्य कलाकार अनिल कुमार, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ कादर खान, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, परेश रावल, उपासना सिंह और सईद जाफरी इसके सहायक भूमिका में शामिल थे, जबकि एक विशेष परिस्थिति के दौरान ये फिल्म का बनाया गया था। फिल्म के डायरेक्टर सुरेंद्र कपूर और बोनू कपूर थे। इसके लेखक प्रकाश राज थे और अभिनेता में भी अनिल कपूर, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ ये फिल्म को बता दें कि फिल्म की कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है, जब काजल श्रीदेवी पेशे से अभिनेता राज यानी कि अनिल कपूर से शादी करती है, तो उसके पिता कादर खान स्वचालित रूप से वह अमीर हैं, यहाँ तक कि दो बच्चों के जन्म एक बेटी और छोटी बेटी हैं। विवाह के कई सालों में भी वह बदलती नहीं है। इसका उदाहरण तब होता है जब काजल अपनी पुरानी सहेली निशा यानी कि पूनम ढिल्लो से मिलती है और कहती है कि उसका पति बड़ा बिजनेसमैन है, उसके परिवार के पास कई कार हैं और एक बड़े बंगले में रहते हैं। लेकिन निशा जो वास्तव में अमीर सच जान लेती है जब जानवी यानी कि उर्मिला मातोंडकर राज के मालिक साहिनी शहीद जाफरी की भतीजी विदेश से आती हैं। इस मूवी को आप अलग अलग तरीक़ों से नहीं देख सकते, जबकि यह फिल्म आपको YouTube के प्रीमियर पर भी देखने को मिलेगी। यह फिल्म 1994 की तेलुगु फिल्म शुभ लगावन की रीमेक थी। यह श्रीदेवी की अंतिम फिल्म थी जब तक कि उन्होंने 2012 में इंग्लिश विंग्लिश से वापसी नहीं की थी। दोस्तों, आज जो हम आपको बताने वाले हैं, इस फिल्म का नाम है जुदाई। जुदाई फिल्म 1997 में एक बनी हिंदी मूवी है जिसका निर्देशन राजकुमार के द्वारा किया गया था। इसके मुख्य कलाकार अनिल कुमार, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ कादर खान, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, परेश रावल, उपासना सिंह और सईद जाफरी इसके सहायक भूमिका में शामिल थे, जबकि एक विशेष परिस्थिति के दौरान ये फिल्म का बनाया गया था। फिल्म के डायरेक्टर सुरेंद्र कपूर और बोनू कपूर थे। इसके लेखक प्रकाश राज थे और अभिनेता में भी अनिल कपूर, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ ये फिल्म को बता दें कि फिल्म की कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है, जब काजल श्रीदेवी पेशे से अभिनेता राज यानी कि अनिल कपूर से शादी करती है, तो उसके पिता कादर खान स्वचालित रूप से वह अमीर हैं, यहाँ तक कि दो बच्चों के जन्म एक बेटी और छोटी बेटी हैं। विवाह के कई सालों में भी वह बदलती नहीं है। इसका उदाहरण तब होता है जब काजल अपनी पुरानी सहेली निशा यानी कि पूनम ढिल्लो से मिलती है और कहती है कि उसका पति बड़ा बिजनेसमैन है, उसके परिवार के पास कई कार हैं और एक बड़े बंगले में रहते हैं। लेकिन निशा जो वास्तव में अमीर सच जान लेती है जब जानवी यानी कि उर्मिला मातोंडकर राज के मालिक साहिनी शहीद जाफरी की भतीजी विदेश से आती हैं। इस मूवी को आप अलग अलग तरीक़ों से नहीं देख सकते, जबकि यह फिल्म आपको YouTube के प्रीमियर पर भी देखने को मिलेगी। यह फिल्म 1994 की तेलुगु फिल्म शुभ लगावन की रीमेक थी। यह श्रीदेवी की अंतिम फिल्म थी जब तक कि उन्होंने 2012 में इंग्लिश विंग्लिश से वापसी नहीं की थी। दोस्तों, आज जो हम आपको बताने वाले हैं, इस फिल्म का नाम है जुदाई। जुदाई फिल्म 1997 में एक बनी हिंदी मूवी है जिसका निर्देशन राजकुमार के द्वारा किया गया था। इसके मुख्य कलाकार अनिल कुमार, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ कादर खान, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, परेश रावल, उपासना सिंह और सईद जाफरी इसके सहायक भूमिका में शामिल थे, जबकि एक विशेष परिस्थिति के दौरान ये फिल्म का बनाया गया था। फिल्म के डायरेक्टर सुरेंद्र कपूर और बोनू कपूर थे।
इसके लेखक प्रकाश राज थे और अभिनेता में भी अनिल कपूर, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ ये फिल्म को बता दें कि फिल्म की कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है, जब काजल श्रीदेवी पेशे से अभिनेता राज यानी कि अनिल कपूर से शादी करती है, तो उसके पिता कादर खान स्वचालित रूप से वह अमीर हैं, यहाँ तक कि दो बच्चों के जन्म एक बेटी और छोटी बेटी हैं। विवाह के कई सालों में भी वह बदलती नहीं है। इसका उदाहरण तब होता है जब काजल अपनी पुरानी सहेली निशा यानी कि पूनम ढिल्लो से मिलती है और कहती है कि उसका पति बड़ा बिजनेसमैन है, उसके परिवार के पास कई कार हैं और एक बड़े बंगले में रहते हैं। लेकिन निशा जो वास्तव में अमीर सत्य जान लेती है जब जानवी यानी कि उर्मिला मातोंडकर राज के मालिक साहिनी शहीद जाफरी की भतीजी विदेश से आती हैं। इस मूवी को आप अलग अलग तरीक़ों से नहीं देख सकते, जबकि यह फिल्म आपको यूट्यूब के प्रीमियर पर भी देखने को मिलेगी। यह फिल्म 1994 की तेलुगु फिल्म शुभ लगावन की रीमेक थी। यह श्रीदेवी की अंतिम फिल्म थी, जब तक कि उन्होंने 2012 में इंग्लिश फिल्म से वापसी नहीं की थी। दोस्तों, आज जो हम आपको बताने वाले हैं, इस फिल्म का नाम है जुदाई। जुदाई फिल्म 1997 में एक बनी हिंदी मूवी है, जिसका निर्देशन राजकुमार के द्वारा किया गया था। इसके मुख्य कलाकार अनिल कुमार, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ कादर खान, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, फ्रेश रावल, उपासना सिंह और सईद जाफरी इसके सहायक भूमिका में शामिल थे, जबकि एक विशेष परिस्थिति के दौरान ये फिल्म का बनाया गया था। फिल्म के डायरेक्टर सुरेंद्र कपूर और बोनू कपूर थे। इसके लेखक प्रकाश राज थे और अभिनेता में भी अनिल कपूर, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ ये फिल्म को बता दें कि फिल्म की कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है, जब काजल श्रीदेवी पेशे से अभिनेता राज यानी कि अनिल कपूर से शादी करती है, तो उसके पिता कादर खान स्वचालित रूप से वह अमीर हैं, यहाँ तक कि दो बच्चों के जन्म एक बेटी और छोटी बेटी हैं। विवाह के कई सालों में भी वह बदलती नहीं है। इसका उदाहरण तब होता है जब काजल अपनी पुरानी सहेली निशा यानी कि पूनम ढिल्लो से मिलती है और कहती है कि उसका पति बड़ा बिजनेसमैन है, उसके परिवार के पास कई कार हैं और एक बड़े बंगले में रहते हैं। लेकिन निशा जो वास्तव में अमीर सत्य जान लेती है जब जानवी यानी कि उर्मिला मातोंडकर राज के मालिक साहिनी शहीद जाफरी की भतीजी विदेश से आती हैं। इस मूवी को आप अलग अलग तरीक़ों से नहीं देख सकते, जबकि यह फिल्म आपको यूट्यूब के प्रीमियर पर भी देखने को मिलेगी। यह फिल्म 1994 की तेलुगु फिल्म शुभ लगावन की रीमेक थी। यह श्रीदेवी की अंतिम फिल्म थी, जब तक कि उन्होंने 2012 में इंग्लिश फिल्म से वापसी नहीं की थी। दोस्तों, आज जो हम आपको बताने वाले हैं, इस फिल्म का नाम है जुदाई। जुदाई फिल्म 1997 में एक बनी हिंदी मूवी है, जिसका निर्देशन राजकुमार के द्वारा किया गया था। इसके मुख्य कलाकार अनिल कुमार, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ कादर खान, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, फ्रेश रावल, उपासना सिंह और सईद जाफरी इसके सहायक भूमिका में शामिल थे, जबकि एक विशेष परिस्थिति के दौरान ये फिल्म का बनाया गया था। फिल्म के डायरेक्टर सुरेंद्र कपूर और बोनू कपूर थे। इसके लेखक प्रकाश राज थे और अभिनेता में भी अनिल कपूर, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ ये फिल्म को बता दें कि फिल्म की कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है, जब काजल श्रीदेवी पेशे से अभिनेता राज यानी कि अनिल कपूर से शादी करती है, तो उसके पिता कादर खान स्वचालित रूप से वह अमीर हैं, यहाँ तक कि दो बच्चों के जन्म एक बेटी और छोटी बेटी हैं। विवाह के कई सालों में भी वह बदलती नहीं है। इसका उदाहरण तब होता है जब काजल अपनी पुरानी सहेली निशा यानी कि पूनम ढिल्लो से मिलती है और कहती है कि उसका पति बड़ा बिजनेसमैन है, उसके परिवार के पास कई कार हैं और एक बड़े बंगले में रहते हैं। लेकिन निशा जो वास्तव में अमीर सत्य जान लेती है जब जानवी
यानी कि उर्मिला मातोंडकर। राज के मालिक साहिनी शहीद जाफरी की भतीजी विदेश से आती हैं। इस मूवी को आप अलग अलग तरीक़ों से नहीं देख सकते, जबकि यह फिल्म आपको YouTube के प्रीमियर पर भी देखने को मिलेगी। यह फिल्म 1994 की तेलुगु फिल्म शुभ लगावन की रीमेक थी। यह श्रीदेवी की अंतिम फिल्म थी, जब तक कि उन्होंने 2012 में इंग्लिश विंग्लिश से वापसी नहीं की थी। दोस्तों, आज जो हम आपको बताने वाले हैं, इस फिल्म का नाम है जुदाई। जुदाई फिल्म 1997 में एक बनी हिंदी मूवी है, जिसका निर्देशन राजकुमार के द्वारा किया गया था। इसके मुख्य कलाकार अनिल कुमार, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ कादर खान, फरीदा जलाल, जोनी लीवर, फ्रेश रावल, उपासना सिंह और सईद जाफरी इसके सहायक भूमिका में शामिल थे, जबकि एक विशेष परिस्थिति के दौरान ये फिल्म का बनाया गया था। फिल्म के डायरेक्टर सुरेंद्र कपूर और बोनू कपूर थे। इसके लेखक प्रकाश राज थे और अभिनेता में भी अनिल कपूर, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ ये फिल्म को बता दें कि फिल्म की कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है, जब काजल श्रीदेवी पेशे से अभिनेता राज यानी कि अनिल कपूर से शादी करती है, तो उसके पिता कादर खान स्वचालित रूप से वह अमीर हैं। यहाँ तक कि दो बच्चों के जन्म एक बेटी और छोटी बेटी है। विवाह के कई सालों में भी वह बदलती नहीं है। इसका उदाहरण तब होता है जब काजल अपनी पुरानी सहेली निशा यानी कि पूनम ढिल्लो से मिलती है और कहती है कि उसका पति बड़ा बिजनेसमैन है, उसके परिवार के पास कई कार हैं और एक बड़े बंगले में रहते हैं। लेकिन निशा जो वास्तव में अमीर सत्य जान लेती है जब जानवी यानी कि उर्मिला मातोंडकर, राज के मालिक साहिनी शहीद जाफरी की भतीजी विदेश से आती हैं। इस मूवी को आप अलग अलग तरीक़ों से नहीं देख सकते, जबकि यह फिल्म आपको YouTube के प्रीमियर पर भी देखने को मिलेगी। यह फिल्म 1994 की तेलुगु फिल्म शुभ लगावन की रीमेक थी। यह श्रीदेवी की अंतिम फिल्म थी, जब तक कि उन्होंने 2012 में इंग्लिश विंग्लिश से वापसी नहीं की थी। दोस्तों, आज जो हम आपको बताने वाले हैं, इस फिल्म का नाम है जुदाई। जुदाई फिल्म 1997 में एक बनी हिंदी मूवी है, जिसका निर्देशन राजकुमार के द्वारा किया गया था। इसके मुख्य कलाकार अनिल कुमार, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ कादर खान, फरीदा जलाल, जोनी लीवर, फ्रेश रावल, उपासना सिंह और सईद जाफरी इसके सहायक भूमिका में शामिल थे, जबकि एक विशेष परिस्थिति के दौरान ये फिल्म का बनाया गया था। फिल्म के डायरेक्टर सुरेंद्र कपूर और बोनू कपूर थे। इसके लेखक प्रकाश राज थे और अभिनेता में भी अनिल कपूर, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ ये फिल्म को बता दें कि फिल्म की कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है, जब काजल श्रीदेवी पेशे से अभिनेता राज यानी कि अनिल कपूर से शादी करती है, तो उसके पिता कादर खान स्वचालित रूप से वह अमीर हैं। यहाँ तक कि दो बच्चों के जन्म एक बेटी और छोटी बेटी है। विवाह के कई सालों में भी वह बदलती नहीं है। इसका उदाहरण तब होता है जब काजल अपनी पुरानी सहेली निशा यानी कि पूनम ढिल्लो से मिलती है और कहती है कि उसका पति बड़ा बिजनेसमैन है, उसके परिवार के पास कई कार हैं और एक बड़े बंगले में रहते हैं। लेकिन निशा जो वास्तव में अमीर सत्य जान लेती है जब जानवी यानी कि उर्मिला मातोंडकर, राज के मालिक साहिनी शहीद जाफरी की भतीजी विदेश से आती हैं। इस मूवी को आप अलग अलग तरीक़ों से नहीं देख सकते, जबकि यह फिल्म आपको YouTube के प्रीमियर पर भी देखने को मिलेगी। यह फिल्म 1994 की तेलुगु फिल्म शुभ लगावन की रीमेक थी। यह श्रीदेवी की अंतिम फिल्म थी, जब तक कि उन्होंने 2012 में इंग्लिश विंग्लिश से वापसी नहीं की थी। दोस्तों, आज जो हम आपको बताने वाले हैं, इस फिल्म का नाम है जुदाई। जुदाई फिल्म 1997 में एक बनी हिंदी मूवी है, जिसका निर्देशन राजकुमार के द्वारा किया गया था। इसके मुख्य कलाकार अनिल कुमार, श्रीदेवी और उर्मिला
मातोंडकर थी। इसी के साथ कादर खान, फरीदा जलाल, जोनी लीवर, फ्रेश रावल, उपासना सिंह और सईद जाफरी इसके सहायक भूमिका में शामिल थे, जबकि एक विशेष परिस्थिति के दौरान ये फिल्म का बनाया गया था। फिल्म के डायरेक्टर सुरेंद्र कपूर और बोनू कपूर थे। इसके लेखक प्रकाश राज थे और अभिनेता में भी अनिल कपूर, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ ये फिल्म को बता दें कि फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है, जब काजल श्रीदेवी पेशे से अभिनेता राज यानी कि अनिल कपूर से शादी करती है, तो उसके पिता कादर खान स्वचालित रूप से वह अमीर हैं, यहाँ तक कि दो बच्चों के जन्म एक बेटी और छोटी बेटी हैं। विवाह के कई सालों में भी वह बदलती नहीं है। इसका उदाहरण तब होता है जब काजल अपनी पुरानी सहेली निशा यानी कि पूनम ढिल्लो से मिलती है और कहती है कि उसका पति बड़ा बिजनेसमैन है, उसके परिवार के पास कई कार हैं और एक बड़े बंगले में रहते हैं। लेकिन निशा जो वास्तव में अमीर सच जान लेती है जब जानवी यानी कि उर्मिला मातोंडकर राज के मालिक साहिनी शहीद जाफरी की भतीजी विदेश से आती हैं। इस मूवी को आप अलग अलग तरीक़ों से नहीं देख सकते, जबकि यह फिल्म आपको YouTube के प्रीमियर पर भी देखने को मिलेगी। यह फिल्म 1994 की तेलुगु फिल्म शुभ लगावन की रीमेक थी। यह श्रीदेवी की अंतिम फिल्म थी, जब तक कि उन्होंने 2012 में इंग्लिश मूवी से वापसी नहीं की थी। दोस्तों, आज जो हम आपको बताने वाले हैं, इस फिल्म का नाम है जुदाई। जुदाई फिल्म 1997 में एक बनी हिंदी मूवी है, जिसका निर्देशन राजकुमार के द्वारा किया गया था। इसके मुख्य कलाकार अनिल कुमार, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ कादर खान, फरीदा जलाल, जोनी लीवर, फ्रेश रावल, उपासना सिंह और सईद जाफरी इसके सहायक भूमिका में शामिल थे, जबकि एक विशेष परिस्थिति के दौरान ये फिल्म का बनाया गया था। फिल्म के डायरेक्टर सुरेंद्र कपूर और बोनू कपूर थे। इसके लेखक प्रकाश राज थे और अभिनेता में भी अनिल कपूर, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ ये फिल्म को बता दें कि फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है, जब काजल श्रीदेवी पेशे से अभिनेता राज यानी कि अनिल कपूर से शादी करती है, तो उसके पिता कादर खान स्वचालित रूप से वह अमीर हैं, यहाँ तक कि दो बच्चों के जन्म एक बेटी और छोटी बेटी हैं। विवाह के कई सालों में भी वह बदलती नहीं है। इसका उदाहरण तब होता है जब काजल अपनी पुरानी सहेली निशा यानी कि पूनम ढिल्लो से मिलती है और कहती है कि उसका पति बड़ा बिजनेसमैन है, उसके परिवार के पास कई कार हैं और एक बड़े बंगले में रहते हैं। लेकिन निशा जो वास्तव में अमीर सच जान लेती है, जब जानवी यानी कि उर्मिला मातोंडकर राज के मालिक साहिनी शहीद जाफरी की भतीजी विदेश से आती हैं। इस मूवी को आप अलग अलग तरीक़ों से नहीं देख सकते, जबकि यह फिल्म आपको YouTube के प्रीमियर पर भी देखने को मिलेगी। यह फिल्म 1994 की तेलुगु फिल्म शुभ लगावन की रीमेक थी। यह श्रीदेवी की अंतिम फिल्म थी, जब तक कि उन्होंने 2012 में इंग्लिश मूवी से वापसी नहीं की थी। दोस्तों, आज जो हम आपको बताने वाले हैं, इस फिल्म का नाम है जुदाई। जुदाई फिल्म 1997 में एक बनी हिंदी मूवी है, जिसका निर्देशन राजकुमार के द्वारा किया गया था। इसके मुख्य कलाकार अनिल कुमार, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ कादर खान, फरीदा जलाल, जोनी लीवर, फ्रेश रावल, उपासना सिंह और सईद जाफरी इसके सहायक भूमिका में शामिल थे, जबकि एक विशेष परिस्थिति के दौरान ये फिल्म का बनाया गया था। फिल्म के डायरेक्टर सुरेंद्र कपूर और बोनू कपूर थे। इसके लेखक प्रकाश राज थे और अभिनेता में भी अनिल कपूर, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ ये फिल्म को बता दें कि फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है, जब काजल श्रीदेवी पेशे से अभिनेता राज यानी कि अनिल कपूर से शादी करती है, तो उसके पिता कादर खान स्वचालित रूप से वह अमीर हैं, यहाँ तक कि दो बच्चों के जन्म एक बेटी और छोटी बेटी हैं।
विवाह के कई सालों में भी वह बदलती नहीं है। इसका उदाहरण तब होता है जब काजल अपनी पुरानी सहेली निशा यानी कि पूनम ढिल्लो से मिलती है और कहती है कि उसका पति बड़ा बिजनेसमैन है, उसके परिवार के पास कई कार हैं और एक बड़े बंगले में रहते हैं। लेकिन निशा जो वास्तव में अमीर सच जान लेती है जब जानवी यानी कि उर्मिला मातुंडकर राज के मालिक साहिनी शहीद जाफरी की भतीजी विदेश से आती हैं। इस मूवी को आप अलग अलग तरीक़ों से नहीं देख सकते जबकि यह फिल्म आपको YouTube के प्रीमियर पर भी देखने को मिलेगी। यह फिल्म 1994 की तेलुगु फिल्म शुभ लगावन की रीमेक थी। यह श्रीदेवी की अंतिम फिल्म थी जब तक कि उन्होंने 2012 में इंग्लिश फिल्म से वापसी नहीं की थी। दोस्तों आज जो हम आपको बताने वाले हैं इस फिल्म का नाम है जुदाई। जुदाई फिल्म 1997 में एक बनी हिंदी मूवी है जिसका निर्देशन राजकुमार के द्वारा किया गया था। इसके मुख्य कलाकार अनिल कुमार, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ कादर खान, फरीदा जलाल, जोनी लीवर, फ्रेश रावल, उपासना सिंह और सईद जाफरी इसके सहायक भूमिका में शामिल थे, जबकि एक विशेष परिस्थिति के दौरान ये फिल्म का बनाया गया था। फिल्म के डायरेक्टर सुरेंद्र कपूर और बोनू कपूर थे। इसके लेखक प्रकाश राज थे और अभिनेता में भी अनिल कपूर, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ ये फिल्म को बता दें कि फिल्म की कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है जब काजल श्रीदेवी पेशे से अभिनेता राज यानी कि अनिल कपूर से शादी करती है तो उसके पिता कादर खान स्वचालित रूप से वह अमीर हैं, यहाँ तक कि दो बच्चों के जन्म एक बेटी और छोटी बेटी हैं। विवाह के कई सालों में भी वह बदलती नहीं है। इसका उदाहरण तब होता है जब काजल अपनी पुरानी सहेली निशा यानी कि पूनम ढिल्लो से मिलती है और कहती है कि उसका पति बड़ा बिजनेसमैन है, उसके परिवार के पास कई कार हैं और एक बड़े बंगले में रहते हैं। लेकिन निशा जो वास्तव में अमीर सच जान लेती है जब जानवी यानी कि उर्मिला मातुंडकर राज के मालिक साहिनी शहीद जाफरी की भतीजी विदेश से आती हैं। इस मूवी को आप अलग अलग तरीक़ों से नहीं देख सकते जबकि यह फिल्म आपको YouTube के प्रीमियर पर भी देखने को मिलेगी। यह फिल्म 1994 की तेलुगु फिल्म शुभ लगावन की रीमेक थी। यह श्रीदेवी की अंतिम फिल्म थी जब तक कि उन्होंने 2012 में इंग्लिश फिल्म से वापसी नहीं की थी। दोस्तों आज जो हम आपको बताने वाले हैं इस फिल्म का नाम है जुदाई। जुदाई फिल्म 1997 में एक बनी हिंदी मूवी है जिसका निर्देशन राजकुमार के द्वारा किया गया था। इसके मुख्य कलाकार अनिल कुमार, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ कादर खान, फरीदा जलाल, जोनी लीवर, फ्रेश रावल, उपासना सिंह और सईद जाफरी इसके सहायक भूमिका में शामिल थे, जबकि एक विशेष परिस्थिति के दौरान ये फिल्म का बनाया गया था। फिल्म के डायरेक्टर सुरेंद्र कपूर और बोनू कपूर थे। इसके लेखक प्रकाश राज थे और अभिनेता में भी अनिल कपूर, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ ये फिल्म को बता दें कि फिल्म की कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है जब काजल श्रीदेवी पेशे से अभिनेता राज यानी कि अनिल कपूर से शादी करती है तो उसके पिता कादर खान स्वचालित रूप से वह अमीर हैं, यहाँ तक कि दो बच्चों के जन्म एक बेटी और छोटी बेटी हैं। विवाह के कई सालों में भी वह बदलती नहीं है। इसका उदाहरण तब होता है जब काजल अपनी पुरानी सहेली निशा यानी कि पूनम ढिल्लो से मिलती है और कहती है कि उसका पति बड़ा बिजनेसमैन है, उसके परिवार के पास कई कार हैं और एक बड़े बंगले में रहते हैं। लेकिन निशा जो वास्तव में अमीर सच जान लेती है जब जानवी यानी कि उर्मिला मातोंडकर राज के मालिक साहिनी शहीद जाफरी की भतीजी विदेश से आती हैं। इस मूवी को आप अलग अलग तरीक़ों से नहीं देख सकते जबकि यह फिल्म आपको YouTube के प्रीमियर पर भी देखने को मिलेगी। यह फिल्म 1994 की तेलुगु फिल्म शुभ लगावन की रीमेक थी। यह श्रीदेवी की अंतिम फिल्म थी जब तक कि उन्होंने 2012 में
इंग्लिश विंग्लिश से वापसी नहीं की थी। दोस्तों, आज जो हम आपको बताने वाले हैं, इस फिल्म का नाम है जुदाई। जुदाई फिल्म 1997 में एक बनी हिंदी मूवी है, जिसका निर्देशन राजकुमार के द्वारा किया गया था। इसके मुख्य कलाकार अनिल कुमार, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ कादर खान, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, परेश रावल, उपासना सिंह और सईद जाफरी इसके सहायक भूमिका में शामिल थे, जबकि एक विशेष परिस्थिति के दौरान ये फिल्म का बनाया गया था। फिल्म के डायरेक्टर सुरेंद्र कपूर और बोनू कपूर थे। इसके लेखक प्रकाश राज थे और अभिनेता में भी अनिल कपूर, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ ये फिल्म को बता दें कि फिल्म की कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है, जब काजल श्रीदेवी पेशे से अभिनेता राज यानी कि अनिल कपूर से शादी करती है, तो उसके पिता कादर खान स्वचालित रूप से वह अमीर हैं, यहाँ तक कि दो बच्चों के जन्म एक बेटी और छोटी बेटी हैं। विवाह के कई सालों में भी वह बदलती नहीं है। इसका उदाहरण तब होता है जब काजल अपनी पुरानी सहेली निशा यानी कि पूनम ढिल्लो से मिलती है और कहती है कि उसका पति बड़ा बिजनेसमैन है, उसके परिवार के पास कई कार हैं और एक बड़े बंगले में रहते हैं। लेकिन निशा जो वास्तव में अमीर सच जान लेती है जब जानवी यानी कि उर्मिला मातोंडकर राज के मालिक साहिनी शहीद जाफरी की भतीजी विदेश से आती हैं। इस मूवी को आप अलग अलग तरीक़ों से नहीं देख सकते, जबकि यह फिल्म आपको YouTube के प्रीमियर पर भी देखने को मिलेगी। यह फिल्म 1994 की तेलुगु फिल्म शुभ लगावन की रीमेक थी। यह श्रीदेवी की अंतिम फिल्म थी, जब तक कि उन्होंने 2012 में इंग्लिश विंग्लिश से वापसी नहीं की थी। दोस्तों, आज जो हम आपको बताने वाले हैं, इस फिल्म का नाम है जुदाई। जुदाई फिल्म 1997 में एक बनी हिंदी मूवी है, जिसका निर्देशन राजकुमार के द्वारा किया गया था। इसके मुख्य कलाकार अनिल कुमार, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ कादर खान, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, परेश रावल, उपासना सिंह और सईद जाफरी इसके सहायक भूमिका में शामिल थे, जबकि एक विशेष परिस्थिति के दौरान ये फिल्म का बनाया गया था। फिल्म के डायरेक्टर सुरेंद्र कपूर और बोनू कपूर थे। इसके लेखक प्रकाश राज थे और अभिनेता में भी अनिल कपूर, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ ये फिल्म को बता दें कि फिल्म की कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है, जब काजल श्रीदेवी पेशे से अभिनेता राज यानी कि अनिल कपूर से शादी करती है, तो उसके पिता कादर खान स्वचालित रूप से वह अमीर हैं, यहाँ तक कि दो बच्चों के जन्म एक बेटी और छोटी बेटी हैं। विवाह के कई सालों में भी वह बदलती नहीं है। इसका उदाहरण तब होता है जब काजल अपनी पुरानी सहेली निशा यानी कि पूनम ढिल्लो से मिलती है और कहती है कि उसका पति बड़ा बिजनेसमैन है, उसके परिवार के पास कई कार हैं और एक बड़े बंगले में रहते हैं। लेकिन निशा जो वास्तव में अमीर सच जान लेती है जब जानवी यानी कि उर्मिला मातोंडकर राज के मालिक साहिनी शहीद जाफरी की भतीजी विदेश से आती हैं। इस मूवी को आप अलग अलग तरीक़ों से नहीं देख सकते, जबकि यह फिल्म आपको YouTube के प्रीमियर पर भी देखने को मिलेगी। यह फिल्म 1994 की तेलुगु फिल्म शुभ लगावन की रीमेक थी। यह श्रीदेवी की अंतिम फिल्म थी, जब तक कि उन्होंने 2012 में इंग्लिश विंग्लिश से वापसी नहीं की थी। दोस्तों, आज जो हम आपको बताने वाले हैं, इस फिल्म का नाम है जुदाई। जुदाई फिल्म 1997 में एक बनी हिंदी मूवी है, जिसका निर्देशन राजकुमार के द्वारा किया गया था। इसके मुख्य कलाकार अनिल कुमार, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ कादर खान, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, परेश रावल, उपासना सिंह और सईद जाफरी इसके सहायक भूमिका में शामिल थे, जबकि एक विशेष परिस्थिति के दौरान ये फिल्म का बनाया गया था। फिल्म के डायरेक्टर सुरेंद्र कपूर और बोनू कपूर थे। इसके लेखक प्रकाश राज थे और अभिनेता में भी अनिल कपूर, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी।
इसी के साथ ये फिल्म को बता दें कि फिल्म की कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है, जब काजल श्रीदेवी पेशे से अभिनेता राज यानी कि अनिल कपूर से शादी करती है, तो उसके पिता कादर खान स्वचालित रूप से वह अमीर हैं, यहाँ तक कि दो बच्चों के जन्म एक बेटी और छोटी बेटी है। विवाह के कई सालों में भी वह बदलती नहीं है। इसका उदाहरण तब होता है जब काजल अपनी पुरानी सहेली निशा यानी कि पूनम ढिल्लो से मिलती है और कहती है कि उसका पति बड़ा बिजनेसमैन है, उसके परिवार के पास कई कार हैं और एक बड़े बंगले में रहते हैं, लेकिन निशा जो वास्तव में अमीर सच जान लेती है जब जानवी यानी कि उर्मिला मातुंडकर राज के मालिक साहिनी शहीद जाफरी की भतीजी विदेश से आती हैं। इस मूवी को आप अलग अलग तरीक़ों से नहीं देख सकते, जबकि यह फिल्म आपको YouTube के प्रीमियर पर भी देखने को मिलेगी। यह फिल्म 1994 की तेलुगु फिल्म शुभ लगावन की रीमेक थी। यह श्रीदेवी की अंतिम फिल्म थी, जब तक कि उन्होंने 2012 में इंग्लिश फिल्म से वापसी नहीं की थी। दोस्तों, आज जो हम आपको बताने वाले हैं, इस फिल्म का नाम है जुदाई। जुदाई फिल्म 1997 में एक बनी हिंदी मूवी है, जिसका निर्देशन राजकुमार के द्वारा किया गया था। इसके मुख्य कलाकार अनिल कुमार, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ कादर खान, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, परेश रावल, उपासना सिंह और सईद जाफरी इसके सहायक भूमिका में शामिल थे, जबकि एक विशेष परिस्थिति के दौरान ये फिल्म का बनाया गया था। फिल्म के डायरेक्टर सुरेंद्र कपूर और बोनू कपूर थे, इसके लेखक प्रकाश राज थे और अभिनेता में भी अनिल कपूर, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ ये फिल्म को बता दें कि फिल्म की कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है, जब काजल श्रीदेवी पेशे से अभिनेता राज यानी कि अनिल कपूर से शादी करती है, तो उसके पिता कादर खान स्वचालित रूप से वह अमीर हैं, यहाँ तक कि दो बच्चों के जन्म एक बेटी और छोटी बेटी है। विवाह के कई सालों में भी वह बदलती नहीं है। इसका उदाहरण तब होता है जब काजल अपनी पुरानी सहेली निशा यानी कि पूनम ढिल्लो से मिलती है और कहती है कि उसका पति बड़ा बिजनेसमैन है, उसके परिवार के पास कई कार हैं और एक बड़े बंगले में रहते हैं, लेकिन निशा जो वास्तव में अमीर सच जान लेती है जब जानवी यानी कि उर्मिला मातुंडकर राज के मालिक साहिनी शहीद जाफरी की भतीजी विदेश से आती हैं। इस मूवी को आप अलग अलग तरीक़ों से नहीं देख सकते, जबकि यह फिल्म आपको YouTube के प्रीमियर पर भी देखने को मिलेगी। यह फिल्म 1994 की तेलुगु फिल्म शुभ लगावन की रीमेक थी। यह श्रीदेवी की अंतिम फिल्म थी, जब तक कि उन्होंने 2012 में इंग्लिश फिल्म से वापसी नहीं की थी। दोस्तों, आज जो हम आपको बताने वाले हैं, इस फिल्म का नाम है जुदाई। जुदाई फिल्म 1997 में एक बनी हिंदी मूवी है, जिसका निर्देशन राजकुमार के द्वारा किया गया था। इसके मुख्य कलाकार अनिल कुमार, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ कादर खान, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, परेश रावल, उपासना सिंह और सईद जाफरी इसके सहायक भूमिका में शामिल थे, जबकि एक विशेष परिस्थिति के दौरान ये फिल्म का बनाया गया था। फिल्म के डायरेक्टर सुरेंद्र कपूर और बोनू कपूर थे, इसके लेखक प्रकाश राज थे और अभिनेता में भी अनिल कपूर, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ ये फिल्म को बता दें कि फिल्म की कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है, जब काजल श्रीदेवी पेशे से अभिनेता राज यानी कि अनिल कपूर से शादी करती है, तो उसके पिता कादर खान स्वचालित रूप से वह अमीर हैं, यहाँ तक कि दो बच्चों के जन्म एक बेटी और छोटी बेटी है। विवाह के कई सालों में भी वह बदलती नहीं है। इसका उदाहरण तब होता है जब काजल अपनी पुरानी सहेली निशा यानी कि पूनम ढिल्लो से मिलती है और कहती है कि उसका पति बड़ा बिजनेसमैन है, उसके परिवार के पास कई कार हैं और एक बड़े बंगले में रहते हैं, लेकिन निशा जो वास्तव में अमीर सच जान लेती है जब जानवी यानी कि उर्मिला मातोंडकर राज के मालिक साहिनी शहीद जाफरी की भतीजी विदेश से आती हैं। इस मूवी को आप अलग अलग तरीक़ों से
नहीं देख सकते, जबकि यह फिल्म आपको YouTube के प्रीमियर पर भी देखने को मिलेगी। यह फिल्म 1994 की तेलुगु फिल्म शुभ लगावन की रीमेक थी। यह श्रीदेवी की अंतिम फिल्म थी, जब तक कि उन्होंने 2012 में इंग्लिश मूवी से वापसी नहीं की थी। दोस्तों, आज जो हम आपको बताने वाले हैं, इस फिल्म का नाम है जुदाई। जुदाई फिल्म 1997 में एक बनी हिंदी मूवी है, जिसका निर्देशन राजकुमार के द्वारा किया गया था। इसके मुख्य कलाकार अनिल कुमार, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ कादर खान, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, फ्रेश रावल, उपासना सिंह और सईद जाफरी इसके सहायक भूमिका में शामिल थे, जबकि एक विशेष परिस्थिति के दौरान ये फिल्म का बनाया गया था। फिल्म के डायरेक्टर सुरेंद्र कपूर और बोनू कपूर थे। इसके लेखक प्रकाश राज थे और अभिनेता में भी अनिल कपूर, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ ये फिल्म को बता दें कि फिल्म की कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है, जब काजल श्रीदेवी पेशे से अभिनेता राज यानी कि अनिल कपूर से शादी करती है, तो उसके पिता कादर खान स्वचालित रूप से वह अमीर हैं। यहाँ तक कि दो बच्चों के जन्म एक बेटी और छोटी बेटी हैं। विवाह के कई सालों में भी वह बदलती नहीं है। इसका उदाहरण तब होता है जब काजल अपनी पुरानी सहेली निशा यानी कि पूनम ढिल्लो से मिलती है और कहती है कि उसका पति बड़ा बिजनेसमैन है, उसके परिवार के पास कई कार हैं और एक बड़े बंगले में रहते हैं। लेकिन निशा जो वास्तव में अमीर सत्य जान लेती है, जब जानवी यानी कि उर्मिला मातोंडकर राज के मालिक साहिनी शहीद जाफरी की भतीजी विदेश से आती हैं। इस मूवी को आप अलग अलग तरीक़ों से नहीं देख सकते, जबकि यह फिल्म आपको यूट्यूब के प्रीमियर पर भी देखने को मिलेगी। यह फिल्म 1994 की तेलुगु फिल्म शुभ लगावन की रीमेक थी। यह श्रीदेवी की अंतिम फिल्म थी, जब तक कि उन्होंने 2012 में इंग्लिश मूवी से वापसी नहीं की थी। दोस्तों, आज जो हम आपको बताने वाले हैं, इस फिल्म का नाम है जुदाई। जुदाई फिल्म 1997 में एक बनी हिंदी मूवी है, जिसका निर्देशन राजकुमार के द्वारा किया गया था। इसके मुख्य कलाकार अनिल कुमार, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ कादर खान, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, फ्रेश रावल, उपासना सिंह और सईद जाफरी इसके सहायक भूमिका में शामिल थे, जबकि एक विशेष परिस्थिति के दौरान ये फिल्म का बनाया गया था। फिल्म के डायरेक्टर सुरेंद्र कपूर और बोनू कपूर थे। इसके लेखक प्रकाश राज थे और अभिनेता में भी अनिल कपूर, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ ये फिल्म को बता दें कि फिल्म की कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है, जब काजल श्रीदेवी पेशे से अभिनेता राज यानी कि अनिल कपूर से शादी करती है, तो उसके पिता कादर खान स्वचालित रूप से वह अमीर हैं। यहाँ तक कि दो बच्चों के जन्म एक बेटी और छोटी बेटी हैं। विवाह के कई सालों में भी वह बदलती नहीं है। इसका उदाहरण तब होता है जब काजल अपनी पुरानी सहेली निशा यानी कि पूनम ढिल्लो से मिलती है और कहती है कि उसका पति बड़ा बिजनेसमैन है, उसके परिवार के पास कई कार हैं और एक बड़े बंगले में रहते हैं। लेकिन निशा जो वास्तव में अमीर सत्य जान लेती है, जब जानवी यानी कि उर्मिला मातोंडकर राज के मालिक साहिनी शहीद जाफरी की भतीजी विदेश से आती हैं। इस मूवी को आप अलग अलग तरीक़ों से नहीं देख सकते, जबकि यह फिल्म आपको YouTube के प्रीमियर पर भी देखने को मिलेगी। यह फिल्म 1994 की तेलुगु फिल्म शुभ लगावन की रीमेक थी। यह श्रीदेवी की अंतिम फिल्म थी, जब तक कि उन्होंने 2012 में इंग्लिश मूवी से वापसी नहीं की थी। दोस्तों, आज जो हम आपको बताने वाले हैं, इस फिल्म का नाम है जुदाई। जुदाई फिल्म 1997 में एक बनी हिंदी मूवी है, जिसका निर्देशन राजकुमार के द्वारा किया गया था। इसके मुख्य कलाकार अनिल कुमार, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ कादर खान, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, फ्रेश रावल, उपासना सिंह और सईद जाफरी इसके सहायक भूमिका में
शामिल थे, जबकि एक विशेष परिस्थिति के दौरान ये फिल्म का बनाया गया था। फिल्म के डायरेक्टर सुरेंद्र कपूर और बोनू कपूर थे, इसके लेखक प्रकाश राज थे और अभिनेता में भी अनिल कपूर, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ ये फिल्म को बता दें कि फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है, जब काजल श्रीदेवी पेशे से अभिनेता राज यानी कि अनिल कपूर से शादी करती है, तो उसके पिता कादर खान स्वचालित रूप से वह अमीर हैं, यहाँ तक कि दो बच्चों के जन्म एक बेटी और छोटी बेटी है। विवाह के कई सालों में भी वह बदलती नहीं है। इसका उदाहरण तब होता है जब काजल अपनी पुरानी सहेली निशा यानी कि पूनम ढिल्लो से मिलती है और कहती है कि उसका पति बड़ा बिजनेसमैन है, उसके परिवार के पास कई कार हैं और एक बड़े बंगले में रहते हैं, लेकिन निशा जो वास्तव में अमीर सत्य जान लेती है जब जानवी यानी कि उर्मिला मातोंडकर राज के मालिक साहिनी शहीद जाफरी की भतीजी विदेश से आती हैं। इस मूवी को आप अलग अलग तरीक़ों से नहीं देख सकते, जबकि यह फिल्म आपको YouTube के प्रीमियर पर भी देखने को मिलेगी। यह फिल्म 1994 की तेलुगु फिल्म शुभ लगावन की रीमेक थी। यह श्रीदेवी की अंतिम फिल्म थी, जब तक कि उन्होंने 2012 में इंग्लिश फिल्म से वापसी नहीं की थी। दोस्तों, आज जो हम आपको बताने वाले हैं, इस फिल्म का नाम है जुदाई। जुदाई फिल्म 1997 में एक बनी हिंदी मूवी है, जिसका निर्देशन राजकुमार के द्वारा किया गया था। इसके मुख्य कलाकार अनिल कुमार, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ कादर खान, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, फ्रेश रावल, उपासना सिंह और सईद जाफरी इसके सहायक भूमिका में शामिल थे, जबकि एक विशेष परिस्थिति के दौरान ये फिल्म का बनाया गया था। फिल्म के डायरेक्टर सुरेंद्र कपूर और बोनू कपूर थे, इसके लेखक प्रकाश राज थे और अभिनेता में भी अनिल कपूर, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ ये फिल्म को बता दें कि फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है, जब काजल श्रीदेवी पेशे से अभिनेता राज यानी कि अनिल कपूर से शादी करती है, तो उसके पिता कादर खान स्वचालित रूप से वह अमीर हैं, यहाँ तक कि दो बच्चों के जन्म एक बेटी और छोटी बेटी है। विवाह के कई सालों में भी वह बदलती नहीं है। इसका उदाहरण तब होता है जब काजल अपनी पुरानी सहेली निशा यानी कि पूनम ढिल्लो से मिलती है और कहती है कि उसका पति बड़ा बिजनेसमैन है, उसके परिवार के पास कई कार हैं और एक बड़े बंगले में रहते हैं, लेकिन निशा जो वास्तव में अमीर सत्य जान लेती है जब जानवी यानी कि उर्मिला मातोंडकर राज के मालिक साहिनी शहीद जाफरी की भतीजी विदेश से आती हैं। इस मूवी को आप अलग अलग तरीक़ों से नहीं देख सकते, जबकि यह फिल्म आपको YouTube के प्रीमियर पर भी देखने को मिलेगी। यह फिल्म 1994 की तेलुगु फिल्म शुभ लगावन की रीमेक थी। यह श्रीदेवी की अंतिम फिल्म थी, जब तक कि उन्होंने 2012 में इंग्लिश फिल्म से वापसी नहीं की थी। दोस्तों, आज जो हम आपको बताने वाले हैं, इस फिल्म का नाम है जुदाई। जुदाई फिल्म 1997 में एक बनी हिंदी मूवी है, जिसका निर्देशन राजकुमार के द्वारा किया गया था। इसके मुख्य कलाकार अनिल कुमार, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ कादर खान, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, फ्रेश रावल, उपासना सिंह और सईद जाफरी इसके सहायक भूमिका में शामिल थे, जबकि एक विशेष परिस्थिति के दौरान ये फिल्म का बनाया गया था। फिल्म के डायरेक्टर सुरेंद्र कपूर और बोनू कपूर थे, इसके लेखक प्रकाश राज थे और अभिनेता में भी अनिल कपूर, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ ये फिल्म को बता दें कि फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है, जब काजल श्रीदेवी पेशे से अभिनेता राज यानी कि अनिल कपूर से शादी करती है, तो उसके पिता कादर खान स्वचालित रूप से वह अमीर हैं, यहाँ तक कि दो बच्चों के जन्म एक बेटी और छोटी बेटी है। विवाह के कई सालों में भी वह बदलती नहीं है। इसका उदाहरण तब होता है जब काजल अपनी पुरानी सहेली निशा यानी कि पूनम ढिल्लो से मिलती है और कहती है कि उसका पति बड़ा बिजनेसमैन है,
उसके परिवार के पास कई कार हैं और एक बड़े बंगले में रहते हैं, लेकिन निशा जो वास्तव में अमीर सच जान लेती है, जब जानवी यानी कि उर्मिला मातुंडकर राज के मालिक साहिनी शहीद जाफरी की भतीजी विदेश से आती हैं। इस मूवी को आप अलग अलग तरीक़ों से नहीं देख सकते, जबकि यह फिल्म आपको YouTube के प्रीमियर पर भी देखने को मिलेगी। यह फिल्म 1994 की तेलुगु फिल्म शुभ लगावन की रीमेक थी। यह श्रीदेवी की अंतिम फिल्म थी, जब तक कि उन्होंने 2012 में इंग्लिश फिल्म से वापसी नहीं की थी। दोस्तों, आज जो हम आपको बताने वाले हैं, इस फिल्म का नाम है जुदाई। जुदाई फिल्म 1997 में एक बनी हिंदी मूवी है, जिसका निर्देशन राजकुमार के द्वारा किया गया था। इसके मुख्य कलाकार अनिल कुमार, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ कादर खान, फरीदा जलाल, जोनी लीवर, फ्रेश रावल, उपासना सिंह और सईद जाफरी इसके सहायक भूमिका में शामिल थे, जबकि एक विशेष परिस्थिति के दौरान ये फिल्म का बनाया गया था। फिल्म के डायरेक्टर सुरेंद्र कपूर और बोनू कपूर थे। इसके लेखक प्रकाश राज थे और अभिनेता में भी अनिल कपूर, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ ये फिल्म को बता दें कि फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है, जब काजल श्रीदेवी पेशे से अभिनेता राज यानी कि अनिल कपूर से शादी करती है, तो उसके पिता कादर खान स्वचालित रूप से वह अमीर हैं, यहाँ तक कि दो बच्चों के जन्म एक बेटी और छोटी बेटी हैं। विवाह के कई सालों में भी वह बदलती नहीं है। इसका उदाहरण तब होता है जब काजल अपनी पुरानी सहेली निशा यानी कि पूनम ढिल्लो से मिलती है और कहती है कि उसका पति बड़ा बिजनेसमैन है, उसके परिवार के पास कई कार हैं और एक बड़े बंगले में रहते हैं, लेकिन निशा जो वास्तव में अमीर सच जान लेती है, जब जानवी यानी कि उर्मिला मातोंडकर राज के मालिक साहिनी शहीद जाफरी की भतीजी विदेश से आती हैं। इस मूवी को आप अलग अलग तरीक़ों से नहीं देख सकते, जबकि यह फिल्म आपको YouTube के प्रीमियर पर भी देखने को मिलेगी। यह फिल्म 1994 की तेलुगु फिल्म शुभ लगावन की रीमेक थी। यह श्रीदेवी की अंतिम फिल्म थी, जब तक कि उन्होंने 2012 में इंग्लिश फिल्म से वापसी नहीं की थी। दोस्तों, आज जो हम आपको बताने वाले हैं, इस फिल्म का नाम है जुदाई। जुदाई फिल्म 1997 में एक बनी हिंदी मूवी है, जिसका निर्देशन राजकुमार के द्वारा किया गया था। इसके मुख्य कलाकार अनिल कुमार, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ कादर खान, फरीदा जलाल, जोनी लीवर, फ्रेश रावल, उपासना सिंह और सईद जाफरी इसके सहायक भूमिका में शामिल थे, जबकि एक विशेष परिस्थिति के दौरान ये फिल्म का बनाया गया था। फिल्म के डायरेक्टर सुरेंद्र कपूर और बोनू कपूर थे। इसके लेखक प्रकाश राज थे और अभिनेता में भी अनिल कपूर, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ ये फिल्म को बता दें कि फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है, जब काजल श्रीदेवी पेशे से अभिनेता राज यानी कि अनिल कपूर से शादी करती है, तो उसके पिता कादर खान स्वचालित रूप से वह अमीर हैं, यहाँ तक कि दो बच्चों के जन्म एक बेटी और छोटी बेटी हैं। विवाह के कई सालों में भी वह बदलती नहीं है। इसका उदाहरण तब होता है जब काजल अपनी पुरानी सहेली निशा यानी कि पूनम ढिल्लो से मिलती है और कहती है कि उसका पति बड़ा बिजनेसमैन है, उसके परिवार के पास कई कार हैं और एक बड़े बंगले में रहते हैं, लेकिन निशा जो वास्तव में अमीर सच जान लेती है, जब जानवी यानी कि उर्मिला मातोंडकर राज के मालिक साहिनी शहीद जाफरी की भतीजी विदेश से आती हैं। इस मूवी को आप अलग अलग तरीक़ों से नहीं देख सकते, जबकि यह फिल्म आपको YouTube के प्रीमियर पर भी देखने को मिलेगी। यह फिल्म 1994 की तेलुगु फिल्म शुभ लगावन की रीमेक थी। यह श्रीदेवी की अंतिम फिल्म थी, जब तक कि उन्होंने 2012 में इंग्लिश फिल्म से वापसी नहीं की थी। दोस्तों, आज जो हम आपको बताने वाले हैं, इस फिल्म का नाम है जुदाई। जुदाई फिल्म 1997 में एक बनी हिंदी मूवी है,
जिसका निर्देशन राजकुमार के द्वारा किया गया था। इसके मुख्य कलाकार अनिल कुमार, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ कादर खान, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, परेश रावल, उपासना सिंह और सईद जाफरी इसके सहायक भूमिका में शामिल थे, जबकि एक विशेष परिस्थिति के दौरान ये फिल्म का बनाया गया था। फिल्म के डायरेक्टर सुरेंद्र कपूर और बोनू कपूर थे। इसके लेखक प्रकाश राज थे और अभिनेता में भी अनिल कपूर, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ ये फिल्म को बता दें कि फिल्म की कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है, जब काजल श्रीदेवी पेशे से अभिनेता राज यानी कि अनिल कपूर से शादी करती है, तो उसके पिता कादर खान स्वचालित रूप से वह अमीर हैं, यहाँ तक कि दो बच्चों के जन्म एक बेटी और छोटी बेटी हैं। विवाह के कई सालों में भी वह बदलती नहीं है। इसका उदाहरण तब होता है जब काजल अपनी पुरानी सहेली निशा यानी कि पूनम ढिल्लो से मिलती है और कहती है कि उसका पति बड़ा बिजनेसमैन है, उसके परिवार के पास कई कार हैं और एक बड़े बंगले में रहते हैं। लेकिन निशा जो वास्तव में अमीर सच जान लेती है, जब जानवी यानी कि उर्मिला मातोंडकर राज के मालिक साहिनी शहीद जाफरी की भतीजी विदेश से आती हैं। इस मूवी को आप अलग अलग तरीक़ों से नहीं देख सकते, जबकि यह फिल्म आपको YouTube के प्रीमियर पर भी देखने को मिलेगी। यह फिल्म 1994 की तेलुगु फिल्म शुभ लगावन की रीमेक थी। यह श्रीदेवी की अंतिम फिल्म थी, जब तक कि उन्होंने 2012 में इंग्लिश मूवी से वापसी नहीं की थी। दोस्तों, आज जो हम आपको बताने वाले हैं, इस फिल्म का नाम है जुदाई। जुदाई फिल्म 1997 में एक बनी हिंदी मूवी है, जिसका निर्देशन राजकुमार के द्वारा किया गया था। इसके मुख्य कलाकार अनिल कुमार, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ कादर खान, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, परेश रावल, उपासना सिंह और सईद जाफरी इसके सहायक भूमिका में शामिल थे, जबकि एक विशेष परिस्थिति के दौरान ये फिल्म का बनाया गया था। फिल्म के डायरेक्टर सुरेंद्र कपूर और बोनू कपूर थे। इसके लेखक प्रकाश राज थे और अभिनेता में भी अनिल कपूर, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ ये फिल्म को बता दें कि फिल्म की कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है, जब काजल श्रीदेवी पेशे से अभिनेता राज यानी कि अनिल कपूर से शादी करती है, तो उसके पिता कादर खान स्वचालित रूप से वह अमीर हैं, यहाँ तक कि दो बच्चों के जन्म एक बेटी और छोटी बेटी हैं। विवाह के कई सालों में भी वह बदलती नहीं है। इसका उदाहरण तब होता है जब काजल अपनी पुरानी सहेली निशा यानी कि पूनम ढिल्लो से मिलती है और कहती है कि उसका पति बड़ा बिजनेसमैन है, उसके परिवार के पास कई कार हैं और एक बड़े बंगले में रहते हैं। लेकिन निशा जो वास्तव में अमीर सच जान लेती है, जब जानवी यानी कि उर्मिला मातोंडकर राज के मालिक साहिनी शहीद जाफरी की भतीजी विदेश से आती हैं। इस मूवी को आप अलग अलग तरीक़ों से नहीं देख सकते, जबकि यह फिल्म आपको YouTube के प्रीमियर पर भी देखने को मिलेगी। यह फिल्म 1994 की तेलुगु फिल्म शुभ लगावन की रीमेक थी। यह श्रीदेवी की अंतिम फिल्म थी, जब तक कि उन्होंने 2012 में इंग्लिश मूवी से वापसी नहीं की थी। दोस्तों, आज जो हम आपको बताने वाले हैं, इस फिल्म का नाम है जुदाई। जुदाई फिल्म 1997 में एक बनी हिंदी मूवी है, जिसका निर्देशन राजकुमार के द्वारा किया गया था। इसके मुख्य कलाकार अनिल कुमार, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ कादर खान, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, परेश रावल, उपासना सिंह और सईद जाफरी इसके सहायक भूमिका में शामिल थे, जबकि एक विशेष परिस्थिति के दौरान ये फिल्म का बनाया गया था। फिल्म के डायरेक्टर सुरेंद्र कपूर और बोनू कपूर थे। इसके लेखक प्रकाश राज थे और अभिनेता में भी अनिल कपूर, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ ये फिल्म को बता दें कि फिल्म की कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है, जब काजल श्रीदेवी पेशे से अभिनेता राज यानी कि अनिल कपूर से शादी करती है,
तो उसके पिता कादर खान स्वचालित रूप से वह अमीर हैं। यहाँ तक कि दो बच्चों के जन्म एक बेटी और छोटी बेटी हैं। विवाह के कई सालों में भी वह बदलती नहीं है। इसका उदाहरण तब होता है जब काजल अपनी पुरानी सहेली निशा यानी कि पूनम ढिल्लो से मिलती है और कहती है कि उसका पति बड़ा बिजनेसमैन है, उसके परिवार के पास कई कार हैं और एक बड़े बंगले में रहते हैं। लेकिन निशा जो वास्तव में अमीर सच जान लेती है जब जानवी यानी कि उर्मिला मातोंडकर राज के मालिक साहिनी शहीद जाफरी की भतीजी विदेश से आती हैं। इस मूवी को आप अलग अलग तरीक़ों से नहीं देख सकते, जबकि यह फिल्म आपको YouTube के प्रीमियर पर भी देखने को मिलेगी। यह फिल्म 1994 की तेलुगु फिल्म शुभ लगावन की रीमेक थी। यह श्रीदेवी की अंतिम फिल्म थी जब तक कि उन्होंने 2012 में इंग्लिश मूवी से वापसी नहीं की थी। दोस्तों, आज जो हम आपको बताने वाले हैं इस फिल्म का नाम है जुदाई। जुदाई फिल्म 1997 में एक बनी हिंदी मूवी है जिसका निर्देशन राजकुमार के द्वारा किया गया था। इसके मुख्य कलाकार अनिल कुमार, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ कादर खान, फरीदा जलाल, जोनी लीवर, फ्रेश रावल, उपासना सिंह और सईद जाफरी इसके सहायक भूमिका में शामिल थे, जबकि एक विशेष परिस्थिति के दौरान ये फिल्म का बनाया गया था। फिल्म के डायरेक्टर सुरेंद्र कपूर और बोनू कपूर थे। इसके लेखक प्रकाश राज थे और अभिनेता में भी अनिल कपूर, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ ये फिल्म को बता दें कि फिल्म की कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है जब काजल श्रीदेवी पेशे से अभिनेता राज यानी कि अनिल कपूर से शादी करती है, तो उसके पिता कादर खान स्वचालित रूप से वह अमीर हैं। यहाँ तक कि दो बच्चों के जन्म एक बेटी और छोटी बेटी हैं। विवाह के कई सालों में भी वह बदलती नहीं है। इसका उदाहरण तब होता है जब काजल अपनी पुरानी सहेली निशा यानी कि पूनम ढिल्लो से मिलती है और कहती है कि उसका पति बड़ा बिजनेसमैन है, उसके परिवार के पास कई कार हैं और एक बड़े बंगले में रहते हैं। लेकिन निशा जो वास्तव में अमीर सच जान लेती है जब जानवी यानी कि उर्मिला मातोंडकर राज के मालिक साहिनी शहीद जाफरी की भतीजी विदेश से आती हैं। इस मूवी को आप अलग अलग तरीक़ों से नहीं देख सकते, जबकि यह फिल्म आपको YouTube के प्रीमियर पर भी देखने को मिलेगी। यह फिल्म 1994 की तेलुगु फिल्म शुभ लगावन की रीमेक थी। यह श्रीदेवी की अंतिम फिल्म थी जब तक कि उन्होंने 2012 में इंग्लिश मूवी से वापसी नहीं की थी। दोस्तों, आज जो हम आपको बताने वाले हैं इस फिल्म का नाम है जुदाई। जुदाई फिल्म 1997 में एक बनी हिंदी मूवी है जिसका निर्देशन राजकुमार के द्वारा किया गया था। इसके मुख्य कलाकार अनिल कुमार, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ कादर खान, फरीदा जलाल, जोनी लीवर, फ्रेश रावल, उपासना सिंह और सईद जाफरी इसके सहायक भूमिका में शामिल थे, जबकि एक विशेष परिस्थिति के दौरान ये फिल्म का बनाया गया था। फिल्म के डायरेक्टर सुरेंद्र कपूर और बोनू कपूर थे। इसके लेखक प्रकाश राज थे और अभिनेता में भी अनिल कपूर, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ ये फिल्म को बता दें कि फिल्म की कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है जब काजल श्रीदेवी पेशे से अभिनेता राज यानी कि अनिल कपूर से शादी करती है, तो उसके पिता कादर खान स्वचालित रूप से वह अमीर हैं। यहाँ तक कि दो बच्चों के जन्म एक बेटी और छोटी बेटी हैं। विवाह के कई सालों में भी वह बदलती नहीं है। इसका उदाहरण तब होता है जब काजल अपनी पुरानी सहेली निशा यानी कि पूनम ढिल्लो से मिलती है और कहती है कि उसका पति बड़ा बिजनेसमैन है, उसके परिवार के पास कई कार हैं और एक बड़े बंगले में रहते हैं। लेकिन निशा जो वास्तव में अमीर सच जान लेती है जब जानवी यानी कि उर्मिला मातोंडकर राज के मालिक साहिनी शहीद जाफरी की भतीजी विदेश से आती हैं। इस मूवी को आप अलग अलग तरीक़ों से नहीं देख सकते, जबकि यह फिल्म आपको YouTube के प्रीमियर पर भी देखने को मिलेगी। यह फिल्म 1994 की तेलुगु फिल्म
शुभ लगावन की रीमेक थी। यह श्रीदेवी की अंतिम फिल्म थी जब तक कि उन्होंने 2012 में इंग्लिश विंग्लिश से वापसी नहीं की थी। दोस्तों, आज जो हम आपको बताने वाले हैं, इस फिल्म का नाम है जुदाई। जुदाई फिल्म 1997 में एक बनी हिंदी मूवी है जिसका निर्देशन राजकुमार के द्वारा किया गया था। इसके मुख्य कलाकार अनिल कुमार, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ कादर खान, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, फ्रेश रावल, उपासना सिंह और सईद जाफरी इसके सहायक भूमिका में शामिल थे, जबकि एक विशेष परिस्थिति के दौरान ये फिल्म का बनाया गया था। फिल्म के डायरेक्टर सुरेंद्र कपूर और बोनू कपूर थे। इसके लेखक प्रकाश राज थे और अभिनेता में भी अनिल कपूर, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ ये फिल्म को बता दें कि फिल्म की कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है, जब काजल श्रीदेवी पेशे से अभिनेता राज यानी कि अनिल कपूर से शादी करती है, तो उसके पिता कादर खान स्वचालित रूप से वह अमीर हैं, यहाँ तक कि दो बच्चों के जन्म एक बेटी और छोटी बेटी है। विवाह के कई सालों में भी वह बदलती नहीं है। इसका उदाहरण तब होता है जब काजल अपनी पुरानी सहेली निशा यानी कि पूनम ढिल्लो से मिलती है और कहती है कि उसका पति बड़ा बिजनेसमैन है, उसके परिवार के पास कई कार हैं और एक बड़े बंगले में रहते हैं। लेकिन निशा जो वास्तव में अमीर सत्य जान लेती है जब जानवी यानी कि उर्मिला मातोंडकर राज के मालिक साहिनी शहीद जाफरी की भतीजी विदेश से आती हैं। इस मूवी को आप अलग अलग तरीक़ों से नहीं देख सकते, जबकि यह फिल्म आपको YouTube के प्रीमियर पर भी देखने को मिलेगी। यह फिल्म 1994 की तेलुगु फिल्म शुभ लगावन की रीमेक थी। यह श्रीदेवी की अंतिम फिल्म थी जब तक कि उन्होंने 2012 में इंग्लिश विंग्लिश से वापसी नहीं की थी। दोस्तों, आज जो हम आपको बताने वाले हैं, इस फिल्म का नाम है जुदाई। जुदाई फिल्म 1997 में एक बनी हिंदी मूवी है जिसका निर्देशन राजकुमार के द्वारा किया गया था। इसके मुख्य कलाकार अनिल कुमार, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ कादर खान, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, फ्रेश रावल, उपासना सिंह और सईद जाफरी इसके सहायक भूमिका में शामिल थे, जबकि एक विशेष परिस्थिति के दौरान ये फिल्म का बनाया गया था। फिल्म के डायरेक्टर सुरेंद्र कपूर और बोनू कपूर थे। इसके लेखक प्रकाश राज थे और अभिनेता में भी अनिल कपूर, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ ये फिल्म को बता दें कि फिल्म की कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है, जब काजल श्रीदेवी पेशे से अभिनेता राज यानी कि अनिल कपूर से शादी करती है, तो उसके पिता कादर खान स्वचालित रूप से वह अमीर हैं, यहाँ तक कि दो बच्चों के जन्म एक बेटी और छोटी बेटी है। विवाह के कई सालों में भी वह बदलती नहीं है। इसका उदाहरण तब होता है जब काजल अपनी पुरानी सहेली निशा यानी कि पूनम ढिल्लो से मिलती है और कहती है कि उसका पति बड़ा बिजनेसमैन है, उसके परिवार के पास कई कार हैं और एक बड़े बंगले में रहते हैं। लेकिन निशा जो वास्तव में अमीर सत्य जान लेती है जब जानवी यानी कि उर्मिला मातोंडकर राज के मालिक साहिनी शहीद जाफरी की भतीजी विदेश से आती हैं। इस मूवी को आप अलग अलग तरीक़ों से नहीं देख सकते, जबकि यह फिल्म आपको YouTube के प्रीमियर पर भी देखने को मिलेगी। यह फिल्म 1994 की तेलुगु फिल्म शुभ लगावन की रीमेक थी। यह श्रीदेवी की अंतिम फिल्म थी जब तक कि उन्होंने 2012 में इंग्लिश विंग्लिश से वापसी नहीं की थी। दोस्तों, आज जो हम आपको बताने वाले हैं, इस फिल्म का नाम है जुदाई। जुदाई फिल्म 1997 में एक बनी हिंदी मूवी है जिसका निर्देशन राजकुमार के द्वारा किया गया था। इसके मुख्य कलाकार अनिल कुमार, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ कादर खान, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, फ्रेश रावल, उपासना सिंह और सईद जाफरी इसके सहायक भूमिका में शामिल थे, जबकि एक विशेष परिस्थिति के दौरान ये फिल्म का बनाया गया था। फिल्म के डायरेक्टर सुरेंद्र कपूर और बोनू कपूर थे।
इसके लेखक प्रकाश राज थे और अभिनेता में भी अनिल कपूर, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ ये फिल्म को बता दें कि फिल्म की कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है, जब काजल श्रीदेवी पेशे से अभिनेता राज यानी कि अनिल कपूर से शादी करती है, तो उसके पिता कादर खान स्वचालित रूप से वह अमीर हैं, यहाँ तक कि दो बच्चों के जन्म एक बेटी और छोटी बेटी हैं। विवाह के कई सालों में भी वह बदलती नहीं है। इसका उदाहरण तब होता है जब काजल अपनी पुरानी सहेली निशा यानी कि पूनम ढिल्लो से मिलती है और कहती है कि उसका पति बड़ा बिजनेसमैन है, उसके परिवार के पास कई कार हैं और एक बड़े बंगले में रहते हैं। लेकिन निशा जो वास्तव में अमीर सत्य जान लेती है जब जानवी यानी कि उर्मिला मातोंडकर राज के मालिक साहिनी शहीद जाफरी की भतीजी विदेश से आती हैं। इस मूवी को आप अलग अलग तरीक़ों से नहीं देख सकते, जबकि यह फिल्म आपको यूट्यूब के प्रीमियर पर भी देखने को मिलेगी। यह फिल्म 1994 की तेलुगु फिल्म शुभ लगावन की रीमेक थी। यह श्रीदेवी की अंतिम फिल्म थी, जब तक कि उन्होंने 2012 में इंग्लिश फिल्म से वापसी नहीं की थी। दोस्तों, आज जो हम आपको बताने वाले हैं, इस फिल्म का नाम है जुदाई। जुदाई फिल्म 1997 में एक बनी हिंदी मूवी है, जिसका निर्देशन राजकुमार के द्वारा किया गया था। इसके मुख्य कलाकार अनिल कुमार, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ कादर खान, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, परेश रावल, उपासना सिंह और सईद जाफरी इसके सहायक भूमिका में शामिल थे, जबकि एक विशेष परिस्थिति के दौरान ये फिल्म का बनाया गया था। फिल्म के डायरेक्टर सुरेंद्र कपूर और बोनू कपूर थे। इसके लेखक प्रकाश राज थे और अभिनेता में भी अनिल कपूर, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर थी। इसी के साथ ये फिल्म को बता दें कि फिल्म की कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है, जब काजल श्रीदेवी पेशे से अभिनेता राज यानी कि अनिल कपूर से शादी करती है, तो उसके पिता कादर खान स्वचालित रूप से वह अमीर हैं, यहाँ तक कि दो बच्चों के जन्म एक बेटी और छोटी बेटी हैं। विवाह के कई सालों में भी वह बदलती नहीं है। इसका उदाहरण तब होता है जब काजल अपनी पुरानी सहेली निशा यानी कि पूनम ढिल्लो से मिलती है और कहती है कि उसका पति बड़ा बिजनेसमैन है, उसके परिवार के पास कई कार हैं और एक बड़े बंगले में रहते हैं। लेकिन निशा जो वास्तव में अमीर सत्य जान लेती है जब जानवी यानी कि उर्मिला मातोंडकर राज के मालिक साहिनी शहीद जाफरी की भतीजी विदेश से आती हैं। इस मूवी को आप अलग अलग तरीक़ों से नहीं देख सकते, जबकि यह फिल्म आपको यूट्यूब के प्रीमियर पर भी देखने को मिलेगी।